हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसे कॉमन भाषा में, कॉमन लैंग्वेज में डीएनए टेस्ट के नाम से जानते हैं, है ना। आप सभी ने कभी ना कभी मूवीज में या किसी सीरीज में, प्रोग्राम में इस वर्ड को सुना होगा। कोई भी अगर क्राइम होता है तो जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट होता है वो वहाँ से सैंपल्स कलेक्ट करता है, और उस सैंपल में अगर उसको कोई सेल या डीएनए मिल जाए तो उस पर डीएनए टेस्ट किया जाता है। एक कंफ्यूजन जनरली बच्चों के मन में होता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्यों कहते हैं इसको। भाई फिंगरप्रिंट का मतलब तो हमारे ये जो फिंगर पे लूप्स वगैरह हैं, इसका प्रिंट ना, आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा कि अभी भी होता है कि कोई भी जगह पर अगर कोई क्राइम हुआ है या कोई भी सस्पेक्ट पता करना है तो वहां पर जो जो चीजें हैं उनको फॉरेंसिक टीम कलेक्ट कर लेती है, फिर उस पर चेक करती है कि इस पर फिंगरप्रिंट्स हैं कि नहीं, और जो जो सस्पेक्टेड लोग हैं उनके फिंगरप्रिंट से मैच करने की कोशिश करते हैं। अगर मैच कर जाए तो हम कहते हैं हाँ भाई तुम उस वक्त उस क्राइम सीन पर प्रेजेंट थे। क्राइम किया है कि नहीं किया वो बात की बात है, पर तुम प्रेजेंट तो थे, है ना। तो इसका मतलब फिंगरप्रिंटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल की तरह यूज की जाती थी इन सच केसेस, अभी भी की जाती है नो डाउट, लेकिन इससे बेटर टेक्निक, क्योंकि जनरली लोग इतने समझदार हो गए कि ग्लव्स पहन के क्राइम करते हैं, तो इससे एक बेटर टेक्निक हमारे पास प्रेजेंट है जो कि कहलाती है डीएनए टेस्ट, ठीक है। इसको एलेक्स जेफ्रे नाम के एक साइंटिस्ट हैं बच्चों, एलेक्स जेफ्रे, मैंने उनका फोटोग्राफ भी यहाँ पर लगाया, देखो दिखाती हूँ तुम्हें, ये रहे एलेक्स जेफ्रे, इन्होंने इस टेक्निक को बताया था। एनसीईआरटी में आगे इनका नाम भी लिखा है, जहाँ पर टेक्निक दी है ना वहाँ पर इनका नाम भी लिखा है कि दिस टेक्निक वॉज इनिशियली डेवलप्ड बाय एलेक्स जेफ्रे। अब तो बहुत एडवांस हो चुकी है ये टेक्निक, बट जो इनिशियली सबसे पहले इस टेक्निक को डेवलप किया था वो एलेक्स जेफ्रे ने डेवलप किया था। और इसका नाम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्यों पड़ा बच्चों, क्योंकि इस डीएनए टेस्ट की वजह से जो नॉर्मली फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक होती है ना, उसको इस टेक्निक ने काफी हद तक रिप्लेस किया, या ये उससे बेटर है। ओनली दैट्स वाई इट इज नोन एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। यहां पर फिंगरप्रिंट्स का कोई रिलेशन नहीं है। डीएनए टेस्ट करने के लिए हमें चाहिए होगा डीएनए, और डीएनए कहाँ मिलता है, सेल में। तो यानी कोई भी क्राइम सीन पर अगर मान लो कुछ इस तरह के सैंपल्स मिल जाएं, जैसे मान लो कोई ब्लड ड्रॉप्स पड़ी हैं, तो उस ब्लड में सेल्स होंगी, सेल्स में से डीएनए निकाल लेंगे। आरबीसी से नहीं निकाल सकते, आरबीसी इन्यूक्लेटेड होती हैं, ठीक है। मान लो सलाइवा पड़ा हुआ है, तो सलाइवा में आप कहेंगे मैम सेल्स थोड़ी ना होती हैं, बिल्कुल होती हैं। जो हमारी ओरल कैविटी के अंदर जो लेयर है ना बच्चों, उससे कुछ सेल्स टूट टूट के सलाइवा में गिरती रहती है, तो सलाइवा में भी कई बार सेल्स मिल जाती हैं। या मान लीजिए कोई खींचा खाची हुई है और हेयर्स खींचे गए हैं, ये जो हमारा हेयर का पार्ट है अगर इसको कट करोगे तो ये तो केराटिनाइज्ड है, तो केराटिन प्रोटीन का बना है, इसमें तो आपको डीएनए नहीं मिलेगा। बट अगर हेयर को खींचा जाए तो हेयर के नीचे की तरफ फॉलिकल होता है ना बिल्कुल अंदर, जहाँ ये स्काल्प पे, स्किन पे जुड़ा रहता है, तो हेयर फॉलिकल क्या है, सेल है। तो उस हेयर, जो भी हेयर सैंपल मिलते हैं उसको कलेक्ट कर लेते हैं, फॉरेंसिक टीम देखती है कि यार इसमें फॉलिकल है तो डीएनए मिल गया, तो हेयर फॉलिकल से भी आपको डीएनए मिल जाएगा। नेल्स अगर पड़े हैं तो नेल तो वैसे अगेन केराटिन प्रोटीन का बना है, बट नेल का जो नीचे वाला सरफेस होता है वो हमारे स्किन से अटैच रहता है, तो उसमें भी स्किन की सेल्स कई बार चिपकी रहती हैं, तो वहाँ से भी हमें सैंपल मिल सकता है। कोई स्किन का पार्ट टूट के गिरा हुआ है, कुछ भी एक पार्ट स्क्रैप होके गिर गया है, वो भी एक सैंपल की तरह यूज हो सकता है। तो कोई भी बॉडी का ऐसा पार्ट जिसमें सेल्स प्रेजेंट है, उन सेल से डीएनए को आइसोलेट किया जाता है और फिर उस डीएनए को टेस्ट किया जाता है, जिसे आप सिंपली बोलते हैं डीएनए टेस्ट। टेस्ट में क्या करते हैं भाई, डीएनए में हम क्या पता करेंगे। लास्ट सेशन में हमने एचजीपी पढ़ा था ना, तो एचजीपी में हमने कहा था कि पूरी दुनिया में जो ह्यूमंस हैं उनका 99.9% जीनोम तो सेम है, तो उसको तो चेक करने से क्या फ़ायदा। अगर तुम वो जो सैंपल है जिसमें से तुम्हें डीएनए मिला है, अगर उसमें तुम उस 99.9% सीक्वेंसेस को स्टडी करोगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, फालतू वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी हो गया वो तो। तो इसलिए डीएनए टेस्ट का प्रिंसिपल समझो, डीएनए टेस्ट में वो जो 0.1% डीएनए है ना हम सबका, जो हमेशा डिफर करेगा, एचजीपी में ये बात प्रूफ हो चुकी है कि भैया 0.1% डीएनए ऐसा है कि वो कभी भी एक ह्यूमन का दूसरे ह्यूमन से मैच नहीं करता बच्चों, नेवर। हमारे सिबलिंग का भी वो 0.1% डीएनए हमसे अलग होगा, हम हमारे सिबलिंग के आइडेंटिकल थोड़ी ना है, हम शक्ल थोड़ी ना है हम। हाँ, अगर हम शक्ल बच्चे हैं, आइडेंटिकल ट्विंस, ट्विंस में भी नॉन आइडेंटिकल नहीं, मैं कह रही हूँ आइडेंटिकल ट्विन, जो बिल्कुल सीता गीता राम श्याम वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, अगर बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स हैं, तो उनका 100% डीएनए सेम होगा, 0.1% भी डिफर नहीं करता उनमें, तभी तो वो दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। लेकिन बाकी अगर आइडेंटिकल ट्विन्स को तुम छोड़ दो, तो बाकी दुनिया में जितने भी इंडिविजुअल हैं, चाहे वो हमारा भाई बहन हो, इवन हमारे पेरेंट्स भी अगर हैं,
तो हमारा और उनका डीएनए बहुत हद, वो 0.1% डीएनए कुछ कुछ तो मैच करेगा पर 100% मैच नहीं करेगा। ओके, तो ये जो डीएनए टेस्ट है ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि दो पर्संस का 0.1% डीएनए कभी भी सेम नहीं होता, इट इज ऑलवेज यूनिक इन एन इंडिविजुअल एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विन्स। ठीक, तो इस टेस्ट में क्या करते हैं, उस 0.1% डीएनए की सीक्वेंस को स्टडी करते हैं और वो जो, जैसे मान लो कहीं से हमें ब्लड सैंपल मिला है तो उस ब्लड सैंपल में जो सेल से डीएनए निकाला उस पर जो सीक्वेंस मिली है ना आपको उस 0.1% डीएनए में, वो सीक्वेंस दुनिया में सिर्फ उसी पर्सन की है जिसका वो ब्लड है। तो अगर मान लो हमारे पास 4-5 लोग हैं जिनमें से हमें पता लगाना है कि यार ये ब्लड किसका था, तो उन 4-5 लोगों का भी सेल सैंपल ले लो, उनका भी डीएनए टेस्ट कर लो और फिर क्या होगा, जिस डीएनए से वो ब्लड सैंपल की डीएनए एग्जैक्टली मैच कर रही है वही उस पर्सन का ब्लड है, क्योंकि इसमें इसमें तो कोई शक भी नहीं है। फिंगरप्रिंट में तो फिर भी बोलते हैं ग्लव्स पहन लिए या बदल दिए फिंगरप्रिंट, किसी के जानबूझ के लगा दिए, यहाँ तो आप डीएनए थोड़ी ना बदल सकते हो। तो इट इज़ वेरी ऑथेंटिकेटेड टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टूल जिससे आप बहुत ईजीली किसी भी पर्सन का पता लगा सकते हो कि ये जो सैंपल है ये किस पर्सन का है। क्योंकि मान लो एक बॉडी अगर है, जैसे मेरी बॉडी में मेरा स्किन, मेरी सलाइवा, मेरे जो भी सेल्स हैं उनमें तो एक जैसा ही डीएनए है ना बच्चों, या ये भी नहीं समझ में आ रहा है आपको, भाई हम जब बने आज हमारी बॉडी में ट्रिलियन ऑफ सेल्स हैं, मतलब अनगिनत सेल्स हैं, पर हम बने तो एक जायगॉट से है ना, तो एक जायगॉट से ही सारी सेल्स बनी है तो सब में एक जैसा ही तो डीएनए है, बस उसका काम करने का तरीका अलग अलग है। आईज में अलग जीन्स काम करते हैं, ईयर में अलग जीन्स काम करते हैं, पर बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं सबका डीएनए तो एक जैसा ही है ना, वो सारी तो एक ही जायगॉट से बनी है। तो एक पर्सन की बॉडी में जितना भी डीएनए है वो तो 100% सेम है, पर मेरा वो जो 0.1% डीएनए है किसी भी सेल का, वो किसी भी दूसरे पर्सन की सेल के 0.1% डीएनए से मैच नहीं करेगा, नेवर एवर। ओके, इसी बेस पर डीएनए टेस्ट किया जाता है और वो जो सीक्वेंस है ना 0.1% डीएनए की सीक्वेंस, जब इस टेक्निक को करते हैं, हम सीखेंगे अभी इस टेस्ट को कैसे, इसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो लास्ट में जो उसका प्रिंट निकल कर आता है, उसका जो स्कैन होता है वो ऐसा दिखता है बच्चों, जैसे एक्सरे नहीं होते बॉडी के किसी पार्ट के, वैसे ही बिल्कुल थोड़ा थोड़ा उसके जैसा, नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट। और इसको कहते हैं बच्चों ऑटो रेडियोग्राम। क्या कहते हैं इसको? ऑटो रेडियोग्राम। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है, इस टेस्ट में हम किसी भी सेल से डीएनए को निकाल कर, उसमें भी पूरे डीएनए का नहीं, उससे उस 0.1% डीएनए को अलग करके, कैसे करते हैं अभी हम सीखेंगे, उस 0.1% डीएनए की सीक्वेंस चेक करते हैं, उसका एक ऑटो रेडियोग्राम बनाते हैं, एक पैटर्न बनाते हैं, कैसे बनता है अभी हम पढ़ेंगे, और वो पैटर्न सिर्फ उसी पर्सन का यूनिक है, वो किसी भी दूसरे पर्सन से मैच नहीं करेगा एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विन। अगर उसका कोई आइडेंटिकल ट्विन है तो वो एग्जैक्टली सिमिलर होगा, अदरवाइज कोई ना कोई डिफरेंस आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है क्या? पर क्या आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही है क्या? आपने बहुत जगह ऐसा भी तो सुना होगा कि डीएनए टेस्ट है ना उसके लिए भी यूज़ करते हैं पेटर्निटी डिस्प्यूट्स के लिए। अगर मान लो कभी पता नहीं चल रहा है कि इसके रियल पेरेंट कौन है, दो लोग हक जमा रहे हैं कि भाई ये मतलब मदर मान लो पता है और दो लड़के हैं, वो क्या दो फादर हैं, मतलब दो मैन हैं, वो कह रहे हैं कि यार ये मेरा बच्चा है, दूसरा कह रहा है मेरा है, तो कैसे पता करें कि उसके रियल फादर कौन है? तो अब मैंने आपको क्या कहा, वो 0.1% डीएनए ना तो एग्जैक्टली मदर जैसा है ना एग्जैक्टली फादर जैसा है, लेकिन वो जो 0.1% डीएनए है ना मेरा, वो क्या होगा, वो मदर और फादर की सीक्वेंसेस से ही तो मिलकर बना है ना, वो 0.1% डीएनए 100% ना मदर जैसा है ना फादर जैसा है, पर उसमें जितनी भी सीक्वेंसेस हैं वो या तो मदर की हैं या तो फादर की हैं, तो इसलिए वो जो 0.1% डीएनए है जब हम उसका एक बैंड ऑटो रेडियोग्राम बनाएंगे, और मदर का ऑटो रेडियोग्राम है और उन दो लोगों का ऑटो रेडियोग्राम है, तो इस बच्चे का जो डीएनए सीक्वेंसेस आपको दिख रही हैं वो कुछ तो आपको मदर में मिल जाएंगी और जो बाकी की सीक्वेंसेस हैं वो दोनों में से किसी एक में ही मिलेगी, तो वही उसके रियल फादर हुए। फादर मदर दोनों का भी इजीली पता लगाया जा सकता है, जिन दो पर्संस की सीक्वेंसेस उस बच्चे के ऑटो रेडियोग्राम में हैं वही उसके रियल फादर और मदर हैं। समझ में आ रही है क्या बात आप लोगों को? तो इस तरह आप डीएनए टेस्ट से ये चीज़ कंफर्म कर सकते हो कि इसके रियल पेरेंट्स कौन हैं। तो ना सिर्फ डीएनए टेस्ट फॉरेंसिक साइंस में यूज़ होता है बल्कि पेटर्निटी डिस्प्यूट्स में भी इस टेस्ट को यूज़ किया जाता है। अब ये टेस्ट की टेक्निक क्या है, उससे पहले आपको एनसीईआरटी ने इस टेस्ट के प्रिंसिपल समझाए हैं कि मैं आपको कह रही हूँ ना वो 0.1% डीएनए हमको चेक करना है, तो उस 0.1% डीएनए में क्या खासियत है, उसको क्या कहते हैं, दैट वी हैव टू स्टडी। ठीक है, पहले देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है। एज स्टेटेड इन द प्रिसीडिंग सेक्शन,
99.9% ऑफ बेस सीक्वेंस अमंग ह्यूमंस इज एग्जैक्टली द सेम, तो उसको तो पता लगाने का कोई मीनिंग ही नहीं है. अज्यूमिंग ह्यूमन जीनोम एज, आपको ध्यान है मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि ह्यूमन जीनोम में यानी जो हमारे 24 क्रोमोसोम्स हैं उनमें टोटल 3 बिलियन बेस पेयर्स हैं, ये हम पढ़ चुके हैं. इन हाउ मेनी बेस सीक्वेंस वुड देयर बी डिफरेंसेस, ओनली 0.1%. तो आप बच्चों जरा कैलकुलेट करो कि ये जो 3 बिलियन है, इस 3 बिलियन का मैं 0.1% निकालूं तो ये आंसर आएगा क्या, 30 लाख, है ना. 30 लाख, 10 लाख मतलब 1 मिलियन होता है ना, तो मैं आपको बता रही थी ना कल की 30 लाख मतलब 3 मिलियन. तो जो 3 मिलियन बेस पेयर्स हैं हमारे वो यूनिक हैं. अब कहने में लग रहा है 0.1%, बट 3 बिलियन में से 3 मिलियन जो बेस पेयर हैं वो क्या हैं बच्चों, वो एग्जैक्टली वो एकदम डिफर हैं, कभी भी मैच नहीं करेंगे एक पर्सन से दूसरे पर्सन के, पर एक ही बॉडी में हर सेल में वो एक जैसे होंगे, ठीक है. तो इट इज दीज डिफरेंट डिफरेंस इन सीक्वेंस ऑफ DNA विच मेक एवरी इंडिविजुअल यूनिक. सोचो जो भी हमारे अंदर यूनिक है, हमारा फेस वगैरह जो भी दूसरों से अलग है वो उस 0.1% DNA की वजह से है. अगर नेचर में ये 0.1% भी डिफर नहीं करता ना बच्चों, तो दुनिया में जितने भी इंसान हैं सब एक जैसे होते, बिल्कुल हम शक्ल एक जैसे दिखते, है ना. हो सकता है जो दूसरी स्पीशीज है उनमें और भी कम डिफरेंट होगा DNA, इसीलिए जैसे कैट्स होती हैं, डॉग्स होते हैं, वो हमें एकदम से देखने पर सब एक जैसे से ही लगते हैं, उनमें हमारे जितना क्लियर कट डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हम, है ना. तो इट डिपेंड्स ऑन द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट DNA, क्लियर. तो ये हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, बाकी स्पीशीज की नहीं कर रहे हैं, कि 0.1% DNA हम सबका क्या होता है, यूनिक होता है. 0.1% DNA हम सबका यूनिक होता है और इसी वजह से हमारे फिनोटाइप्स भी यूनिक होते हैं. If one aim to find out genetic differences between two individuals or among individuals of a population, ना सिर्फ आप इस DNA टेस्ट को क्राइम केसेस और पेटर्निटी डिस्प्यूट में यूज कर सकते हो, बल्कि अगर आपको ये पता लगाना है कि इस पॉपुलेशन में कितनी डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिजम्स के बीच में, तो भी आप उनसे कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स का DNA टेस्ट कर लो, आपको पता चल जाएगा उस पॉपुलेशन में कितना परसेंट DNA डिफर करता है, ठीक है. ये भी इसकी एक एप्लीकेशन है, लास्ट में आएंगी सारी एप्लीकेशन. सिक्वेंसिंग द DNA एवरी टाइम वुड बी अ डॉन्टिंग एंड एक्सपेंसिव टास्क. 3 मिलियन बेस पेयर्स को सीक्वेंस करना भी इतना आसान तो नहीं है ना. ये लिख देना आप यहाँ पे, लिखा है क्या ये रहा कि इमेजिन ट्राइंग टू कंपेयर टू सेट्स. अगर आपको दो जनों का DNA टेस्ट करना है या दो सैंपल्स में करना है, तो दो सेट्स में आपको 3 मिलियन बेस पेयर्स की सिक्वेंसिंग करनी पड़ेगी, है ना. तो ये भी इतना ईजी नहीं है. तो इसलिए ध्यान रखना कि DNA फिंगरप्रिंटिंग में उस 0.1% DNA को भी पूरा चेक करने की जरूरत नहीं होती है बच्चों, उसमें भी कुछ पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स की सीक्वेंसेस को उसका ऑटो रेडियोग्राम बना लिया जाता है और उन्हीं क्रोमोसोम्स की सीक्वेंसेस को दूसरे सैंपल में भी चेक कर लिया जाता है, कभी भी वो सीक्वेंसेस सेम नहीं होंगी, ठीक है. सो DNA फिंगरप्रिंटिंग हाईलाइट करो, DNA फिंगरप्रिंटिंग इज अ वेरी क्विक वे टू कंपेयर द DNA सीक्वेंसेस ऑफ एनी टू इंडिविजुअल्स, है ना. एकदम लग रहा होगा कि मैम फटाफट बताओ कि करते क्या है इस टेस्ट में, ओके. ये मैंने यहाँ पर बच्चों जो हमने HGP में अलग अलग परसेंटेज पढ़े थे ना, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे थे जब मैंने लास्ट सेशन में पढ़ाया था, तो यहाँ पर मैंने उन सबका अलग अलग चार्ट बना दिया है कि जो ह्यूमन जीनोम है वो 99.9% सेम है, 0.1% डिफर करता है. अगर हम बात करें कोडिंग और नॉन कोडिंग सिक्वेंसेज की, ये सब काम आएगा अभी इस टॉपिक में, तो मैंने आपको HGP में बताया था क्या लिख रहा था, लेस देन 2% ही कोडिंग सिक्वेंसेज हैं, 98% यानी नॉन कोडिंग हुआ हमारा DNA. सोचो हम कोडिंग का मतलब कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, तो हम सोचते हैं यार हर जीन ऐसे ही एक्सप्रेस होता होगा, बट इस तरह का एक्सप्रेशन तो सिर्फ 2% जीन्स में है, 98% जीन्स तो नॉन कोडिंग है. वो किस तरह काम करते हैं, दैट इज बियॉन्ड आर लेवल, वो जेनेटिसिस्ट पढ़ते हैं, ओके. और तीसरा ही कैटेगराइजेशन यहाँ पर किस बेसिस पर किया गया है, जो इस टॉपिक में बहुत काम आएगा, रिपीटेटिव सीक्वेंसेस. ये भी मैंने HGP में आपको बताया था कि हमारे पूरे DNA की सीक्वेंसेस को जब स्टडी किया गया, तो कुछ जगह हमें ऐसी सीक्वेंसेस मिली जो मल्टीपल टाइम रिपीट हो रही थी, 100 से 1000 बार सेम एक यूनिट रिपीट हो रही है, ऐसी सीक्वेंसेस को रिपीटेटिव सीक्वेंसेस कहते हैं. और ये भी हमारे, मैंने ऐड करवाया था आपको, हमारे जीनोम के 50% सीक्वेंसेस रिपीटेटिव सीक्वेंसेस हैं, ओके. तो अब ये एक बात तुम समझ लो कि ये जो रेपिटेटिव सीक्वेंसेस है ना बच्चों, इन रेपिटेटिव सीक्वेंसेस में वो जो 0.1% DNA है ना, वो इसी जगह पर आता है, वो रेपिटेटिव सीक्वेंस का ही एक पार्ट है. इसलिए DNA फिंगरप्रिंटिंग में बार बार आप रेपिटेटिव DNA वर्ड पढ़ोगे, समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या कह रही हूँ.
मैं ये नहीं कह रही कि वो 0.1% डीएनए ही बस रेपिटेटिव डीएनए है, उसके अलावा और भी बहुत सारा रेपिटेटिव डीएनए है हमारे पास। लिखा है ना, हमारे पूरे जीनोम का 50% रेपिटेटिव डीएनए होता है। लेकिन लेकिन मैं आपको क्या कह रही हूँ कि वो जो 0.1% डीएनए है ये वाला, ये भी रेपिटेटिव डीएनए में ही आता है। ओके, और दूसरी बात सुन लो कि ये जो रेपिटेटिव सीक्वेंसेस है ना बच्चों, ये हमेशा नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होती हैं, ये इस कोडिंग रीजन में नहीं आती हैं। ओके, कोडिंग रीजन में या नॉन रेपिटेटिव आती हैं, ठीक है, और बाकी की जो नॉन रेपिटेटिव बची वो अगेन नॉन कोडिंग में आती हैं। तो ये जो 98% नॉन कोडिंग है हमारा, उसमें रेपिटेटिव भी है, नॉन रेपिटेटिव भी है, लेकिन रेपिटेटिव सिर्फ नॉन कोडिंग में ही है। तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ये जो 0.1% डीएनए है हमारा, ये नॉन कोडिंग डीएनए है? बट ऑब्वियस, ये हमेशा एक नॉन कोडिंग रीजन होता है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपका रेपिटेटिव डीएनए कोडिंग कर रहा हो, नेवर। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि 0.1% डीएनए हम सबका डिफर करता है। तो अगर ये कोडिंग सीक्वेंस होती ना बच्चों, कोई इंपॉर्टेंट प्रोटीन बना रही होती हमारी बॉडी का और वो डिफर कर रही होती, तो हर ह्यूमन की फिजियोलॉजी अलग अलग तरह से होती, किसी में कोई एंजाइम बन रहा है, किसी में कोई एंजाइम बन रहा है। ओके, दैट्स वाई ये 0.1% यूनिक डीएनए कैसा है, रेपिटेटिव है और नॉन कोडिंग है। बट इसके अलावा भी बहुत सारा रेपिटेटिव, बहुत सारा नॉन कोडिंग डीएनए हमारे जीनोम में एग्जिस्ट करता है। ये कन्फ्यूजन एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, आगे बढ़ें। नाउ अब आपको एनसीईआरटी में दो बड़े बड़े पैराग्राफ्स दिए हैं, इनमें आपको बेसिस समझाया, प्रिंसिपल समझाया है, तो इनको आप दो हेडिंग्स में डिवाइड कर दो। इसके ऊपर हेडिंग लिखो रेपिटेटिव डीएनए, और इसका जो अगला पैराग्राफ है बच्चों उसके ऊपर हेडिंग लिखो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक है ना, इसे समझने के लिए आपको दो प्रिंसिपल समझने हैं, रिपीटेटिव डीएनए क्या होता है और डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। शॉर्ट में अगर बताऊं तो किसी भी डीएनए में, जो मैं आपको कह रही हूं, एक ऐसी सीक्वेंस जो बार 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 रिपीट हो रही है, उसे आप कहते हो रिपीटेटिव डीएनए, ठीक है। अब ये जो रिपीटेटिव डीएनए है, इसमें 0.1 पूरे जीनोम का 0.1% ऐसा है जो यूनिक है ना, यानी एक पर्सन से दूसरे में डिफर करेगा, तो क्या मैं इसको डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कह दूं? डीएनए में पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिल रहा है, यानी एक पर्सन का डीएनए दूसरे से मैच नहीं कर रहा है, लेकिन पूरा डीएनए नहीं, सिर्फ 0.1% डीएनए जो रेपिटेटिव सीक्वेंस का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो देखें जरा एनसीईआरटी ने हमें क्या समझाया है, सबसे पहले रेपिटेटिव डीएनए के बारे में, बट यहाँ की जगह पहले मैंने इसके कुछ नोट्स बनाए, बहुत कंफ्यूजिंग है बच्चों, आप सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले समझो कि रेपिटेटिव डीएनए है क्या। मैंने तुम्हें कहा कि रेपिटेटिव डीएनए, जैसे मैं तुम्हें एक डायग्राम दिखाती हूँ, ये देखो, मान लो ये कोई क्रोमोसोम 1 देखा हमने, और हमें क्या मिला क्रोमोसोम 1 पे, कि यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर सीक्वेंस मिली AGCC, मान लो, जस्ट मान लो, मैंने चार ही बोले, इसमें एक में 15, 20, 30 का मिलाकर भी एक यूनिट हो सकती है, ठीक है। तो मान लो AGCC, और मुझे AGCC यहाँ भी मिला, यहाँ भी मिला, हर थोड़ी थोड़ी देर में AGCC रिपीट हो रहा है, या 20 न्यूक्लियोटाइड्स की एक सीक्वेंस है, वो 20 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस फिर से दिखी, है ना। तो इस तरह की सीक्वेंसेस जो आपको दिखती हैं, उन्हें आप क्या कहते हो, रेपिटेटिव सीक्वेंसेस। और ये जो रेपिटेटिव सीक्वेंसेस हैं बच्चों, ये दो तरह से हो सकती हैं, देखना इधर डायग्राम में, या तो ये दूर दूर होती हैं, एक कहीं मिल रही है सेम क्रोमोसोम पर, काफ़ी दूर दूर ये सीक्वेंस आपको मिल रही है, तो इनको पहचानना भी बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं एकदम से दिख जाती हैं, अलग अलग डब्बे बने हुए दिख जाएंगे, तो डायग्राम में दिख रहा है आपको, ठीक है। तो अगर इस तरह से बिखरी हुई हैं पूरे क्रोमोसोम पर जगह जगह, तो उन्हें तो कहते हैं इंटरस्पर्स रिपीट, ठीक है। लेकिन अगर जैसे एक ही सोसाइटी में पड़ोसियों का घर कैसे होता है, बिल्कुल दीवार से दीवार लगी रहती है, अगर इस तरह से ये रिपीट हो रही हैं, तो इसको कहते हैं टेंडमली रिपीटेड डीएनए। टेंडमली वर्ड का मतलब नियर, एडजेसेंट, जस्ट उसके बगल में, उसके जस्ट नियर, समझ रहे हो बात। अगर इन रिपीटेटिव सीक्वेंस, जैसे यहाँ पे चार बार रिपीट हो रही है सीक्वेंस, पर उसके बीच में कोई नया सीक्वेंस नहीं है ना, तो आप इसको क्या कहोगे, टेंडमली रिपीटेटिव डीएनए। और अगर दूर दूर है ये सीक्वेंस, तो आप उनको क्या कहोगे, इंटरस्पर्स्ड रिपीटेटिव डीएनए। ये क्यों समझाया मैंने आपको, क्योंकि अभी आपकी बुक में टेंडम वर्ड आएगा, तो आपको पता होना चाहिए टेंडमली रिपीटेटिव डीएनए क्या है। ओके, तो यानी मैं आपको कह रही हूँ कि रिपीटेटिव डीएनए दो तरह का होता है, या तो टेंडमली रिपीटेड डीएनए, बाद में नोट्स में जरूर से ये चार्ट बना लेना, वरना बाद में भूल जाओगे, टेंडमली का मतलब साइड बाय साइड, और या फिर ये होता है इंटरस्पर्स रिपीटेड डीएनए, यानी बीच बीच में गैप है और दूर दूर है, बट रिपीटिंग सीक्वेंस सेम है, AGCA, 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 ठीक है।
अब ये जो इंटरस्पर्स रिपीटेड डीएनए है ना बच्चों, इसको कहते हैं ट्रांसपोजोम्स या जंपिंग जीन्स। ये अभी कहीं काम नहीं आएगा, यहाँ कहीं नहीं लिखा है इस चैप्टर में। जब हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो एक जगह इसका नाम लिखा हुआ है आरएनए इंटरफेरेंस मेथड में, ट्रांसपोजोम्स। तो बस इसलिए मैंने बताया है इनको ट्रांसपोजोम्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जंपिंग जीन होते हैं। जंपिंग का मतलब ऐसा नहीं कि पूरे दिन कूदते रहते हैं, इसका मतलब ये है अगर ये सीक्वेंस यहाँ चली जाए या ये सीक्वेंस यहाँ आ जाए तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो दीज सीक्वेंसेस कैन स्विच देयर पोजीशन, तो इनको ट्रांसपोजोम्स, जंपिंग जीन या मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स कहते हैं। ये हमारे डीएनए के मोबाइल एलिमेंट्स हैं जो एक से दूसरी जगह अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, क्या करते हैं, वो नहीं पढ़ना हमें, कभी नहीं पूछेंगे तुमसे नीट में, ठीक है? अभी अपना फोकस सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर लगाओ जो तुम्हें नीट क्रैक करके मेडिकल कॉलेज में पहुंचाएंगी, दैट्स इट, ठीक है? उससे ज़्यादा डिटेल अगर मेडिकल में ज़रूरी तो वहाँ पढ़ा देंगे, कुछ और डिग्री की हमने तो वहाँ पढ़ा देंगे, है ना? इसलिए हमेशा हमें हमारी नॉलेज उन चीज़ों, ठीक है, जहाँ ज़रूरी होता है कि उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए डिटेल में जाना है, वहाँ पे हम कभी कंजूसी नहीं करते, पर जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ जो बच्चे अननेसेसरी उस टॉपिक के डिटेल में जाएंगे तो वो कोई ना कोई लॉस होगा उनको, ठीक है? इसलिए हमेशा फोकस्ड क्वालिटेटिव स्टडी किया करो, ओके? आगे बढ़ें क्या? अब ये जो टेंडमली रिपीटेड डीएनए है ना बच्चों, इसी का दूसरा नाम है सैटेलाइट डीएनए। आता है ये वर्ड कितना परेशान करता है, इस पूरे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कहीं रिपीटेटिव डीएनए लिखा हुआ है, कहीं सैटेलाइट डीएनए लिखा हुआ है। तो नाउ यू अंडरस्टूड क्या कि रिपीटेटिव डीएनए का ही एक पार्ट है सैटेलाइट डीएनए, यस और नो? रिपीटेटिव डीएनए दो तरह का है ना, तो जब ये टेंडमली रिपीट हो रहा है, साइड बाय साइड रिपीट हो रहा है, तो आप इसी को क्या कह देते हो? सैटेलाइट डीएनए। अब सुनना, अब ये जो सैटेलाइट डीएनए है, ये अगेन दो तरह का है बच्चों। कौन से दो तरह का है? सैटेलाइट डीएनए में जो रिपीटिंग यूनिट की लेंथ है ना, रिपीटिंग यूनिट की लेंथ समझ रहे हो तुम? ये देखो, इस डायग्राम को देखो अब तुम, कि अगर मान लो ये क्रोमोसोम है और उस पर मुझको चार बार सेम सीक्वेंस रिपीट होती हुई मिली, तो चार तो कहलाएगा इसका कॉपी नंबर। कॉपी नंबर यानी वो यूनिट कितनी बार रिपीट हो रही है, ठीक है? और एक रिपीटिंग यूनिट का साइज कितना है, जैसे यहाँ इन्होंने लिखा है इस एक रिपीटिंग यूनिट में 100 न्यूक्लियोटाइड है, 100 बेस पेयर्स हैं आमने सामने, 100 बेस पेयर्स हैं, है ना, 100 बोलेंगे उसको, तो ये इसका साइज हुआ 100, ठीक है? तो 100 बेस पेयर बार बार रिपीट हो रहे हैं, चार बार रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीटिंग यूनिट का साइज तो है 100 बेस पेयर, और कॉपी नंबर कितना है इसका 4, ठीक है? दूसरा केस देखना, दूसरे केस में ये एक रिपीटिंग यूनिट है जो 8 बार रिपीट हो रही है, एक रिपीटिंग यूनिट में सिर्फ 2 से 6 बेस है, ए जी सी 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 या ए टी जी सी जी सी, कुछ भी, कोई भी, 6 मिनिमम, दो भी रिपीट होते हैं कई बार, ए टी सी जी सी जी ए सी ए सी, कोई भी सीक्वेंस में ये रिपीट हो सकते हैं, पर एक यूनिट में सिर्फ 2 ही बेस है या मैक्सिमम 6 बेस है, ओके? इसके दो एग्जांपल दिखाएं, यहाँ भी दिखाया है कि इसमें सिर्फ 206 बेस पेयर है जो 20 बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसका कॉपी नंबर क्या है? 8। इसका कॉपी नंबर क्या है? 20। इसका कॉपी नंबर क्या है? 4, है ना? कॉपी नंबर तो मतलब कि वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, लेकिन हमें जो सैटेलाइट डीएनए को 2 में डिवाइड करना है वो इस बेसिस पर करना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिपीटिंग यूनिट, ना कि कॉपी नंबर पे। रिपीटिंग यूनिट की लेंथ क्या है? अगर रिपीटिंग यूनिट लंबी होती है ना बच्चों, तब तो आप उसको कहते हो मिनी सैटेलाइट। ये रहा, क्या कहते हो ऐसे सैटेलाइट डीएनए को? मिनी सैटेलाइट। और अगर बहुत छोटी यूनिट है, सिर्फ 2 से 6 बेस पेयर हैं, तो इसको आप कहते हो माइक्रो सैटेलाइट। कंफ्यूजन कहाँ होता है हमें? मिनी का मतलब भी छोटा, माइक्रो मतलब भी छोटा, तो आप कैसे याद रखोगे? आपके मैथ्स में 2 होता है ना, मिलीमीटर और माइक्रो, मिली और माइक्रोन, तो मिली 10^-3 होता है, माइक्रोन 10^-6 होता है, ज़्यादा छोटा कौन है? माइक्रो। तो जो छोटा है वो माइक्रो सैटेलाइट, और जो उससे थोड़ा बड़ा है वो मिली की जगह मिनी कर दे रहा है बस, यहाँ पे मिनी सैटेलाइट, ठीक है? ऐसे याद रख लोगे तो यहाँ पर मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट में एक रिपीटिंग यूनिट, यहाँ तो इन्होंने 100 बेस पेयर दिखाया है, कभी कभार 100 भी हो जाता है, बट यूजुअली इसमें एक यूनिट में 20 से 60 बेस पेयर रहते हैं, ठीक है? 60 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे अभी हमने 100 देखा, यानी अगर बड़ी रिपीटिंग यूनिट है तो वो मिनी सैटेलाइट है। अब वो कितनी बार रिपीट हो रहा है वो उसका कॉपी नंबर है, ओके? वो हम नहीं देख रहे। और ऐसे ही माइक्रो सैटेलाइट में द रिपीटिंग यूनिट हैज ओनली 2 to 6 बेस पेयर। समझ में आ गई बात?
दूसरा नाम सुनो, इसी मिनी सैटेलाइट को बच्चों VNTR भी कहते हैं। VNTR पूरी पूरी DNA फिंगरप्रिंटिंग में कई जगह ये वर्ड आता है, पता ही नहीं होता आप लोगों को VNTR का क्या मतलब है, तो कैसे टेक्निक समझ में आएगी। तो VNTR की फुल फॉर्म है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। ऐसा नाम क्यों रखा, टेंडमली रिपीट तो है ही है, सैटेलाइट DNA तो पूरा टेंडमली रिपीटेड DNA ही होता है, और वेरिएबल नंबर इसलिए रखा बच्चों क्योंकि इसमें ये जो रिपीटिंग यूनिट है ना, ये बहुत कितनी बार थाउजेंड्स टेंस कितनी भी बार रिपीट होती है, बहुत हाईली वेरिएबल है ये नंबर, है ना। प्लस आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यार अगर 20-60 बेस पेयर एक यूनिट में है तो उस एक यूनिट के कितने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, कितने तरह की सीक्वेंस में अरेंज हो सकता है, तो इट इज़ हाईली वेरिएबल। इसलिए जो मिनी सैटेलाइट है उसका दूसरा नाम क्या है, VNTR, जबकि जो माइक्रो सैटेलाइट है जो बहुत छोटा है उसका दूसरा नाम रख दिया शॉर्ट टेंडम रिपीट। बड़ा आसान है याद रखना, इसमें छोटी सी रिपीटिंग यूनिट रिपीट हो रही है, अब वो कितनी भी बार रिपीट हो सकती है लेकिन बहुत छोटी यूनिट है, तो उसका दूसरा नाम क्या है, शॉर्ट टेंडम रिपीट। तो उलझोगे तो नहीं, याद रहेगा, रिपीटेटिव DNA को डिवाइड किया दो में, टेंडमली रिपीटेड टेंडमली रिपीटेड और इंटरस्पर्स रिपीटेड। टेंडमली रिपीटेड को नाम दिया सैटेलाइट DNA, उसको फिर से डिवाइड किया दो पार्ट में, मिनी सैटेलाइट माइक्रो सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट जिसमें रिपीटिंग यूनिट बड़ी है इसलिए उसका नाम है VNTR, माइक्रो सैटेलाइट जिसमें रिपीटिंग यूनिट छोटी है इसलिए उसका दूसरा नाम दिया STR। समझ में आ गया, ये आपको ऐसे ही चार्ट बना के रखना है अपने नोट्स में, ठीक है। तो जब ये टेक्निक ओरिजिनली आई थी ना, जब एलेक्स ज़ेफ्रे ने दी थी बच्चों, तो एलेक्स ज़ेफ्रे ने एक VNTR सीक्वेंस को ही ट्रेस किया था, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में जब DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक की जाती है, भाई इसमें भी ज़्यादा टाइम लगेगा, VNTR की सीक्वेंसेस को स्टडी करने में और ज़्यादा टाइम लगेगा, लंबी है। तो आज के टाइम में STR भी बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, देखो NCERT में एक लाइन लिखी है जहाँ पर एलेक्स ज़ेफ्रे का नाम था, वहाँ पर क्या लिखा है देखना, ही यूज्ड अ सैटेलाइट DNA एज प्रोब, प्रोब बताऊंगी आगे क्या होता है, दैट शो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब ये VNTR की सीक्वेंस कभी भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में मैच नहीं करेगी। अच्छा यहाँ एक चीज़ और सुनो बच्चों, कि जब मैं आपको कह रही हूँ ना कि ये सीक्वेंस सेम नहीं हो सकती, तो सीक्वेंस सेम नहीं होने में एक चीज़ और होती है कि कई बार क्या होता है कि अगर मान लो एक पर्सन की सीक्वेंस है AGCC, ऐसे ही बता देती हूँ, एक पर्सन की सीक्वेंस है AGCC और वो 8 बार रिपीट हो रही है उसके क्रोमोजोम नंबर 1 पे, ठीक है, 8 बार रिपीट हो रही है AGCC। अब दूसरे पर्सन के भी क्रोमोजोम नंबर 1 पे मुझे AGCC मिल गया, रिपीट भी हो रहा है, लेकिन वो कभी भी 8 बार रिपीट नहीं होगा, 9 बार 10 बार 3 बार 4 बार 8 बार रिपीट नहीं होगा दुनिया के किसी भी इंसान में, इतनी स्पेसिफिक होती हैं ये सीक्वेंसेस। तो इसी को क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, या तो रिपीटिंग यूनिट ही बदल जाएगी, और अगर रिपीटिंग यूनिट सेम है तो उसका कॉपी नंबर बदल जाएगा, तो ये हाईली पॉलीमॉर्फिज्म है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, DNA पॉलीमॉर्फिज्म। समझ में आई क्या बात। तो यहाँ क्या लिखा है कि उन्होंने एक सैटेलाइट DNA को ट्रेस किया विच शो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एंड कॉल्ड एज VNTR। नाउ यू नो व्हाट इज VNTR, ठीक है, टेक्निक तो हम बाद में पढ़ेंगे। और जब तुम इस DNA फिंगरप्रिंटिंग का डायग्राम देखोगे ना, डायग्राम देखोगे, कहाँ है आपकी NCERT का डायग्राम, ये रहा, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ये जो फाइनल ऑटो रेडियोग्राम मिला इसमें लिख रहा है नंबर ऑफ शॉर्ट टेंडम रिपीट्स STR। एक चीज़ यहीं पे तुम समझ लो कि जब ऑटो रेडियोग्राम मिलता है, जब स्कैन करते हैं DNA का फिंगरप्रिंट बनाते हैं, उसका जो मतलब फिल्म बनाते हैं, तो इस फिल्म पर यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको तुम लिख लो दीज आर द कॉपी नंबर, ये कॉपी नंबर ही हैं। यानी वो जो सीक्वेंस है, वो जो रिपीटिंग यूनिट है, वो एक बार ही है क्या, दो बार रिपीट हो रही है क्या, तीन बार रिपीट हो रही है क्या, जरा देखो ध्यान से, जैसे मैं तुम्हें यहीं पर एग्जांपल देती हूँ तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये क्राइम सीन से कोई सैंपल मिला, उसका DNA था, उस DNA पे हमने क्रोमोसोम नंबर 7, 2 और 16 की सीक्वेंसिंग करी, ठीक है। तो क्या हुआ कि यहां पर आपको दिख रहा है कि रेड कलर के डब्बे बनाए, 11 डब्बे बनाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, है ना। तो इसका मतलब ये जो रिपीटिंग यूनिट है वो कितनी बार रिपीट हो रही है बच्चों, ये रिपीटिंग यूनिट 11 बार रिपीट हो रही है, इसका कॉपी नंबर क्या है, 11। और आप देखो यहाँ पे एक चीज़ और देख रहे हो, कितना ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पे देखने को मिलता है, कि ये दोनों तो होमोलोगस क्रोमोजोम है ना, होमोलोगस क्रोमोजोम पे तो हम क्या बोलते हैं, अगर इधर हाइट डिसाइड करने का एलील है तो इधर भी हाइट डिसाइड करने का एलील है, पर ये जो रिपीटेटिव DNA है, सैटेलाइट DNA है, ये होमोलोगस क्रोमोजोम पे भी सेम नहीं होता बच्चों।
होमोलोगस क्रोमोसोम में भी अगर एक पर कॉपी नंबर 11 है तो देखो दूसरे पर ये कॉपी नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिर्फ 9 ही, 9 बार ही रिपीट हो रही है। पर इससे आप ये मत समझना मैम फिर ये होमोलोगस क्यों हुए। होमोलोगस क्रोमोसोम में हम कोडिंग सीक्वेंसेस को देखते हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस डिफर कर सकती हैं, ठीक है। और एक और रीज़न बताती हूँ कि हमारी किसी भी सेल में जो क्रोमोसोम होते हैं, दो पेयर होता है क्रोमोसोम का, उसमें से एक पैटर्नल और एक मैटर्नल होता है कि नहीं होता, एक फादर से मिला एक मदर से मिला ना। जब जायगॉट बना तो 23 क्रोमोसोम मदर से और 23 क्रोमोसोम फादर से आए, तो जो मदर और फादर का क्रोमोसोम है वो सेम थोड़ी ना था, वो तो अलग अलग था, तो उसका कॉपी नंबर भी अलग अलग था। इसलिए हमारे किसी भी बॉडी में, मतलब फादर की बॉडी में देखोगे तो फादर की सेल में उनका जो पेयर्ड क्रोमोसोम है उस पर उनके फादर और मदर की सीक्वेंसेज होगी, मदर में उनके फादर और मदर की सीक्वेंसेज होगी। तो किसी भी बॉडी में, किसी भी सेल में अगर आप एक होमोलोगस क्रोमोसोम को स्टडी कर रहे हो तो होमोलोगस क्रोमोसोम कोडिंग सीक्वेंसेस के लिए तो बिल्कुल सेम नेचर शो करता है, लेकिन नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस में अगर हम रेपिटेटिव डीएनए या सैटेलाइट डीएनए की बात कर रहे हैं तो पैटर्नल और मैटर्नल क्रोमोसोम भी अलग अलग होते हैं। समझ गए आप लोग बात? तो इसलिए इन दोनों का कॉपी नंबर भी, इसीलिए कहते हैं कि इट्स शो हाई वेरिएबिलिटी, इतना ज्यादा वेरिएशन है। तो इन्हीं वेरिएशन, कितना वेरिएशन है देखो कि पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, ठीक है। एक पर्सन की सेल में क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम भी डिफर करेगा, यस और नो? मतलब एक पर्सन की सेल में क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम भी डिफर करेगा, यानी अगर ये क्रोमोसोम नंबर 7 पर 11 बार रिपीट हो रहा है ना बच्चों, तो आपको इस सेल में कोई भी क्रोमोसोम पर ये 11 बार नहीं मिलेगा। कम मिलेगा, कितना भी, जितने भी यहाँ पर दिख रहे हैं, ये रिपीटिंग यूनिट भी अलग हो सकती है और कॉपी नंबर भी अलग हो सकता है, बट सेम कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, एक ही पर्सन में क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम डिफर करता है, और एक ही पेयर पे होमोलोगस क्रोमोसोम में भी डिफर करता है। ये बात मैंने यहाँ लिखी हुई है, जहाँ पर मैंने आपको VNTR बताया है, सैटेलाइट डीएनए बताया था शुरू में, वहाँ पर मैंने लिखा है कि ये जो सैटेलाइट डीएनए है इसका कॉपी नंबर इज हाईली वेरिएबल, इट डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इन सेम पॉपुलेशन, फ्रॉम क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम इन सेम इंडिविजुअल, एंड इवन ऑन टू होमोलोगस क्रोमोसोम। अगर एक पर कॉपी नंबर 4 है तो उसके जस्ट सामने वो कॉपी नंबर कुछ भी दूसरा होगा, 4 नहीं होगा। डन, समझ में आ गया? इतना हाईली पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है ये रिपीटेटिव डीएनए, इसी को डिटेक्ट किया जाता है। तो डिटेक्ट करते वक्त क्या होता है बच्चों कि जब हम ये, आपको पता है ये जो आपको दिख रहा है डीएनए, इसमें हम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को जोड़ चुके हैं। कैसे जोड़ा वो टेक्निक में सीखेंगे, मतलब ये डीएनए हमारा ओरिजिनल डीएनए नहीं है, इसका एक स्ट्रैंड तो ओरिजिनल स्ट्रैंड है और इसके दूसरे स्ट्रैंड में हमने एक रेडियो एक्टिव स्ट्रैंड जोड़ा है। अभी हम सीखेंगे टेक्निक में कैसे जोड़ा, कॉम्प्लीमेंट्री है वो उसका। तो जब ये दोनों जुड़ गए तो क्या अब ये एक रेडियो एक्टिव डीएनए हो गया? तो ये टेक्निक इस बेस पर डिपेंड करती है कि जब इससे एक रेडियो एक्टिव स्ट्रैंड जुड़ जाएगा ना, तो ये जो डीएनए है ये एक स्कैन बनाएगा अपना, इसका एक बैंड मिलेगा हमें सामने, जो रेडियोग्राफिक फिल्म है, ऐसी नहीं होती ये फिल्म, ऐसी होती है जैसा अभी फोटो दिखाया था मैंने, ऐसी। और ये जो आपको बैंड्स दिख रहे हैं ना, वो जिस नंबर पे दिखेंगे उस नंबर, वही नंबर उनका कॉपी नंबर होगा। आपकी लैंग्वेज में अगर हमें समझना है तो देखो, यहाँ पर 11 डब्बे थे ना, कॉपी नंबर 11 था ना, तो जहाँ पर प्लेट पे गया, ये सी का है ये वाला डीएनए, तो आपको ये 11th नंबर पे ही बैंड बनाएगा, ये इसका जो पैटर्न छपेगा वो 11th नंबर पे ही दिखेगा। इस तरह ये टेक्निक डेवलप की गई है, ओके। फिर इसका जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसमें 9 डब्बे है ना, तो 9th नंबर पे बैंड दिख जाएगा। फिर ये तो क्रोमोसोम नंबर 7 की बात हो गई, अगर क्रोमोसोम नंबर 2 पर हमने देखा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपको नेक्स्ट बैंड 8 नंबर पे मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7, नेक्स्ट बैंड 7 नंबर पे मिलेगा। देन क्रोमोसोम नंबर 16 पर 1 2 3 4 5, तो नेक्स्ट बैंड 5 नंबर पे मिलेगा, एंड 1 2, तो नेक्स्ट बैंड 2 नंबर पे मिलेगा। तो इन्हीं नंबर्स पे इसकी ऑटो रेडियोग्राम का बैंड हमें मिलेगा। अब अगर हमें पता करना है कि यार ये डीएनए किसका है, ए का है या बी का है, तो ए और बी का भी क्रोमोसोम नंबर 7, 2 और 16 की सीक्वेंसिंग करनी है आपको। इस बी पर्सन की भी 7, 2 और 16 की ही सीक्वेंसिंग करनी है ना। तो जब हमने इसकी सीक्वेंसिंग की तो हमें ऐसा पैटर्न मिला, इसकी सीक्वेंसिंग की तो ऐसा पैटर्न मिला। तो ऐसा पैटर्न देखना जरा, दोनों में से कौन मैच कर रहा है, सी ए से मैच कर रहा है या बी से मैच कर रहा है।
बिल्कुल सीधी सी बात है, ए से तो कहीं से भी मैच नहीं कर रहा। ए में यहाँ पर तीन ही कॉपी नंबर है, इसलिए रेड बैंड यहाँ दिखाया है तीन नंबर पे, यहाँ पे चार है, चार पे दिखाया है, तो कंफर्म हो गया कि ये जो सी है, ये जो क्राइम सीन से जो डीएनए मिला है वो किस पर्सन का है, बी पर्सन का है ना। लो बन गए हम फॉरेंसिक साइंटिस्ट। ओके, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इस तरह से डीएनए का ऑटो रेडियोग्राम लेकर, और ये किस पर बेस्ड है, ऑटो रेडियोग्राम में क्या देखा हमने, हमने रिपीटेटिव सीक्वेंसेस को स्टडी किया। रिपीटेटिव सीक्वेंसेस में भी कौन सी रिपीटेटिव सीक्वेंसेस, जो सैटेलाइट डीएनए की फॉर्म में होती है। सैटेलाइट डीएनए यानी टेंडमली रिपीटेड डीएनए, जो साइड बाय साइड सिचुएटेड होते हैं, ठीक है। या तो उनकी रिपीटिंग यूनिट डिफर करेगी या उनका कॉपी नंबर डिफर करेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉपी नंबर को प्रेफरेंस दी जाती है, उसको डिटेक्ट करना आसान है, ठीक है। और वो कभी भी एक पर्सन का दूसरे पर्सन के सिमिलर नहीं होगा, उसी को यहाँ पर चेक करते हैं। आ गया क्या समझ में इसका प्रिंसिपल? अब इसमें घुमा फिरा के बार बार इन्हीं बातों को एक्सप्लेन किया गया है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये जो VNTR पढ़ाना हमने, इसकी भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। NCERT में ना ये टॉपिक बड़ा अजीब टाइप से है। जब हम VNTR की टेक्निक पढ़ोगे जब आप, तो उसके नीचे पैराग्राफ देखो, इसमें आपको VNTR के बारे में डिस्क्राइब किया है। The VNTR belong to a class of satellite DNA, you know, referred as mini satellite. इसका दूसरा नाम आ गया। What is VNTR? It is a small DNA sequence which is arranged tandemly, you know, tandemly का मतलब side by side, लिख देना, which is arranged tandemly in many copy number. जो की है यहाँ पर वो क्या है कि ये अलग अलग कॉपी नंबर में रिपीट होगा, अलग अलग इंडिविजुअल्स में, अलग अलग क्रोमोजोम पे, इवन होमोलोगस क्रोमोजोम पे भी। The copy number, very important line, the copy number varies, highlight कर लेते हैं इसको, the copy number varies from chromosome to chromosome in an individual, सिर्फ इतना सा लिखा है इन्होंने, पर मैंने आपको यहाँ पे तीनों चीज़ें लिखनी है आपको, from individual to individual, chromosome to chromosome and even on the homologous chromosome, जो चीज़ वहाँ लिखी हुई थी। The number of repeat, ये जो copy number है ना, number of repeat जिसको कहते हैं, इट शो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, क्योंकि ये कभी भी सेम नहीं होता। एज अ रिजल्ट द साइज ऑफ VNTR वेरी इन साइज फ्रॉम दिस। इसका क्या मतलब है बच्चों, ये जो VNTR की सीक्वेंस होती है उसका ओवरऑल अगर हम साइज देखें ना, तो इसका साइज देखना कितना होता है, 0.1 KB का मतलब है, KB यहाँ पर किलो बेस पेयर को बोलते हैं, तो एक किलो में 1000 होता है ना, तो 0.1 को अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो गया, कितना हो गया, 100 बेस पेयर। यानी पूरे VNTR में मिलाकर आपको 100 बेस पेयर भी मिल सकते हैं, ठीक है, या फिर इसका साइज कई बार 20 KB भी हो सकता है। 20 KB को भी वही 1000 से मल्टीप्लाई कर लो तो 20,000 बेस पेयर्स। ओके, तो VNTR का जो साइज है वो इतना वेरी करता है, ये अलग से स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में पूछ लेंगे आपसे, 0.1 से 20 KB। क्लियर है क्या? ठीक है, बस ये टेक्निक का पार्ट है, इसको हम नहीं पढ़ रहे हैं। इनमें लिखा है कि कॉन्सिक्वेंटली, चलो बता देती हूँ, कॉन्सिक्वेंटली क्योंकि ये वेरी करता है, तो क्या होता है, जब हम इसका हाइब्रिडाइजेशन करा देते हैं, मैंने कहा ना कि एक सीक्वेंस को एक रेडियो एक्टिव सीक्वेंस के साथ जोड़ेंगे, वो जो रेडियो एक्टिव सीक्वेंस जोड़ते हो ना बच्चों आप, उसी को प्रोब कहते हैं, उसको कहते हैं VNTR प्रोब। यानी मेरी सेल में मेरे डीएनए को मैंने सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट किया और उससे एक रेडियो एक्टिव सीक्वेंस को जोड़ दिया, तो जो मेन डीएनए वो खुद तो VNTR है ही, और उससे जो नई सीक्वेंस जोड़ी उसको कहेंगे VNTR प्रोब। तो आपने दो अलग अलग टाइप के डीएनए को जोड़ दिया, इसलिए इसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो जब आप इन सीक्वेंसेस को हाइब्रिडाइज करते हो किसके साथ, VNTR प्रोब के साथ, तो क्या होता है, द ऑटो रेडियोग्राम गिव्स मेनी बैंड्स ऑफ डिफरेंट साइज। अभी हमने देखा अलग अलग साइज के बैंड्स बनते हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉपी नंबर। क्लियर है क्या? दीज बैंड्स गिव अ कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल विच नेवर मैच विद अदर इंडिविजुअल। इट डिफर, लिखा है क्या, इट डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन एक्सेप्ट इन द केस ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ एक ही केस है जिसमें बिल्कुल सेम पैटर्न मिलेगा, दैट इज आइडेंटिकल ट्विंस। फ्रेटर्नल ट्विंस में भी नहीं बच्चों, अगर ऑप्शन में फ्रेटर्नल ट्विंस लिखा आ जाए तो फ्रेटर्नल ट्विंस बोलते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विंस को, ध्यान रखना, डायजाइगोटिक ट्विंस को बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देना कि इवन द पैटर्न डिफर इन नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। नॉन आइडेंटिकल ट्विंस को फ्रेटर्नल ट्विंस भी बोलते हैं, फ्रेटर्नल ट्विंस,
ठीक है क्या, या डाइजाइगोटिक ट्विंस भी बोलते हैं। तो आप समझ गए ना, उनकी शुरुआत ही दो जायगोट से हुई है, तो 100% डीएनए कैसे सेम हो सकता है उनका, है ना, क्योंकि अलग अलग स्पर्म ओवम से मिले हैं, तो हर स्पर्म ओवम में अलग अलग तरह का पैटर्न होता है, क्या पता किसमें कौन से 23 क्रोमोजोम गए हैं, इसलिए इट डिफर्स। क्लियर? तो 10 है, वरना अगर ऐसा होता तो फिर एक तरह से देखा जाए, अगर ये फिक्स होता कि मदर फादर से कौन से 23-23 क्रोमोजोम जाएंगे, तो जितने भी सिबलिंग हैं हमारे, कॉमन पेरेंट्स हैं, तो हमारे पेरेंट्स से हमारे में तो बिल्कुल सेम आना चाहिए। तो यानी एक पर्सन का दूसरे पर, मतलब जो सिबलिंग्स हैं उनका तो डीएनए बिल्कुल 100% सेम होना चाहिए ना, अगर हम कह रहे हैं कि वो फादर मदर से ही हमें मिला है तो। पर क्रॉसिंग ओवर भी तो होती है, वेरिएशंस भी तो आते हैं, तो इस वजह से कभी भी किसी भी दो पर्सन का ये डीएनए 100% सेम नहीं होता। ठीक है, देन बाकी पार्ट हम बाद में देखेंगे इसका। नाउ अब आते हैं हम वापस हमारे फर्स्ट पैराग्राफ पर, क्या लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने VNTR के यहाँ लिख दिए हैं, जो अभी आपको NCERT से पढ़ाए। आप देखो तो क्या लिखा है, अब तुम्हें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग द डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन्स इन डीएनए सीक्वेंस, और वो स्पेसिफिक रीजन जो डिफर करते हैं वो रेपिटेटिव डीएनए का ही पार्ट है क्या बच्चों? हम ये नहीं कह रहे कि जितना भी डीएनए डिफर करता है सिर्फ वही रेपिटेटिव डीएनए है। अगर ऐसा होता तो रेपिटेटिव डीएनए सिर्फ 0.1% होना चाहिए था, बट रेपिटेटिव डीएनए तो 50% होता है। बट यस, दैट 0.1% इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रेपिटेटिव डीएनए, बिकॉज इन दीज सिक्वेंसेज, क्यों कहते हैं इनको रेपिटेटिव डीएनए, अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मेनी टाइम, जितनी बार रिपीट हो रहा है वो उसका कॉपी नंबर है। दीज रेपिटेटिव डीएनए, हाँ अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैम इसको हम अलग कैसे करें, ये जो रेपिटेटिव डीएनए में भी हमें सैटेलाइट डीएनए को देखना है ना, तो सैटेलाइट डीएनए को अलग कैसे करें। तो यहाँ पर एक लाइन लिखी है इसके बारे में, मैंने डायग्राम लिया है क्या, वैसे ही बता देती हूँ मैं तुम लोगों को कि इसके लिए बच्चों एक सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज करते हैं, उसको बोलते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। कहीं और भी तो पढ़ा था हमने, भूल गए, मिजेलसन एंड स्टॉल के एक्सपेरिमेंट में, जहाँ पर डेंसिटी के बेसिस पर डीएनए अलग अलग हो जाता है, लाइट डीएनए, हाइब्रिड डीएनए, हैवी डीएनए, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं, या मतलब प्रूव्ड है ये, कि ये जो सैटेलाइट डीएनए है ना, जो रेपिटेटिव सीक्वेंसेज हैं, इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है इन कंपैरिजन टू अदर डीएनए। जितनी भी दूसरी सीक्वेंसेज हैं वो भारी होती है, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, और सैटेलाइट डीएनए थोड़ा हल्का होता है, लाइट डेंसिटी का होता है। तो अगर आप सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे तो जो बैंड्स ऊपर आएंगे ना, जो डीएनए के सेगमेंट्स ऊपर आएंगे, वो फ्रेगमेंट्स में सैटेलाइट डीएनए ही प्रेजेंट होगा, और बाकी का जो हैवी डीएनए है वो पूरा अलग हो जाएगा। ठीक है, तो जब सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कि दीज रेपिटेटिव डीएनए आर सेपरेटेड फ्रॉम बल्क डीएनए एज डिफरेंट पीक्स। पीक्स का मतलब यहाँ पर वही है, एज डिफरेंट बेंड्स। अगर हम मतलब उसको पीक इसलिए लिख दिया क्योंकि इस चीज़ को ना ऐसे ग्राफ से समझाया जाता है कि जो मेजर पीक्स आ रही हैं वो तो किसकी है, बल्क डीएनए की, और जो माइनर पीक, जो छोटे बैंड मिल रहे हैं ना आपको, ये किसके हैं, ये हैं सैटेलाइट डीएनए के, अगर ग्राफ से बनाओ तो। और अगर टेस्ट ट्यूब में देखो तो जो आपको ऊपर की तरफ बैंड्स मिलेंगे ये क्या होंगे, ये होंगे सैटेलाइट डीएनए के, यानी वही माइनर पीक वाले, और मैक्सिमम जो बल्क डीएनए है वो सारा नीचे इकट्ठा हो जाएगा, दिस इज बल्क डीएनए। तो सैटेलाइट डीएनए को बल्क डीएनए से अलग करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाती है बच्चों, दिख रहा है ना, यस, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। क्यों हम क्यों कर पाए ऐसा, क्योंकि दोनों की डेंसिटी अलग अलग है, अगर एक जैसी डेंसिटी होती तो फिर हम अलग नहीं कर पाते, बट ऑब्वियस। ओके, द बल्क डीएनए फॉर्म्स अ मेजर पीक एंड अदर स्मॉल पीक्स, जो दूसरी स्मॉल पीक्स आपको मिल रही हैं वो किसकी हैं बच्चों, वो हैं सैटेलाइट डीएनए की। क्लियर, ये और ये एक ही बात है। ओके, नाउ इस सैटेलाइट डीएनए के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, अभी बताया ना मैंने कि सैटेलाइट डीएनए जो है वो दो तरह का है, माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि ये जो सैटेलाइट डीएनए है ना, इसके और भी क्लासिफिकेशंस हैं कई सारे। इस सैटेलाइट डीएनए को अलग अलग बेसिस पर डिवाइड किया जाता है, जैसे कई बार ये भी देखा जाता है कि उसमें एटी ज़्यादा है या जीसी ज़्यादा है, कई बार ये भी देखा जाता है कि रिपीटिंग यूनिट की लेंथ क्या है, वो तो हमने पढ़ी, अगर रिपीटिंग यूनिट लंबी है तो मिनी सैटेलाइट, छोटी है तो माइक्रो सैटेलाइट, और कॉपी नंबर के बेसिस पर भी इसको क्लासीफाई किया जाता है। तो एनसीईआरटी में यही लिखा है, डिपेंडिंग ऑन बेस कंपोजिशन, कौन कौन से क्राइटेरिया यूज करते हैं इसको क्लासीफाई करने के लिए, बेस कंपोजिशन,
लेंथ ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट को लिख लो रिपीटिंग यूनिट, रिपीटिंग यूनिट की लेंथ क्या है, एंड एंड नंबर ऑफ रेपिटेटिव यूनिट यानी कॉपी नंबर, नंबर ऑफ रेपिटेटिव यूनिट यानी कॉपी नंबर. इन बेसिस पर द सैटेलाइट डीएनए इज क्लासिफाइड इनटू मेनी कैटेगरीज, जिसमें से हमें सिर्फ दो कैटेगरीज याद रखनी है, कौन सी, माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट. यहां पर कोई डिटेल नहीं दी है, मैंने आपको चार्ट में बना दिए, ठीक है. दीज सीक्वेंसेज नॉर्मली डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन, बट ऑब्वियस मैं आपको शुरू से कह रही हूँ कि जो रेपिटेटिव डीएनए है वो हमेशा नॉन कोडिंग होता है, कोडिंग नहीं होता. तो लिखा है यहाँ पर दीज सीक्वेंसेज नॉर्मली डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन, पर फिर भी दे फॉर्म अ लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम. ओवरऑल अगर हम रेपिटेटिव डीएनए की बात करें तो हमारे जीनोम का 50% पार्ट रेपिटेटिव डीएनए होता है और 98% पार्ट नॉन कोडिंग होता है, ठीक है ना. देन दीज सीक्वेंस शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. रेपिटेटिव डीएनए क्या है, ये तो पहला प्रिंसिपल हो गया. दूसरी बात कि ये क्यों हम चेक करते हैं इस डीएनए टेस्ट में इसको, क्योंकि बच्चों दीज सीक्वेंसेज शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. अगर ये सीक्वेंसेस भी सेम होती तो पहली बात तो हम बिल्कुल हमशक्ल होते सारे, और दूसरी बात कभी डीएनए टेस्ट जैसा कुछ होता ही नहीं, है ना, जो कि नहीं है. यस डिफरेंसेस हैं, क्यों है, इस 0.1% डीएनए की वजह से, ठीक है. रेपिटेटिव डीएनए 50% है पर वो पूरा नहीं देख रहे हम, जो 0.1% है जो डिफर कर रहा है वो देख रहे हैं, बाकी का तो रेपिटेटिव डीएनए भी एक जैसा है हम सब में, समझ रहे हो ना. ये बात मिक्स मत कर लेना कि कंफ्यूजन हो जाए, मैम 50% है तो 0.1% ही बोल रहे हो, 50% में बाकी का सारा एक जैसा है, 0.1% सीक्वेंसेस ऐसी हैं जो डिफर कर रही हैं, उन्हीं को हम यहाँ पर टेस्ट करते हैं, उसी को डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, ठीक है. आगे देखो क्या लिखा है. सिंस डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू फ्रॉम एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल का मैं कोई भी टिश्यू निकाल लूँ, चाहे मैं उसका ब्लड ले लूँ, हेयर फॉलिकल ले लूँ, स्किन ले लूँ, बोन का कोई पार्ट हो, सलाइवा हो, स्पर्म हो, उन सब में तो एक जैसा ही डीएनए है ना बच्चों. आप ये तो कंफ्यूज में नहीं हो कि इन सब में भी अलग अलग टाइप का है वो 0.1% डीएनए, ये सब तो जायगॉट से ही बने हैं उस पर्सन के, तो जायगॉट से बने हैं तो सब में एक जैसा ही डीएनए गया है, ठीक है, क्लियर. मियोसिस के बाद आएगा ना डिफरेंस, माइटोसिस के बाद थोड़ी ना आएगा, ओके. देन तो अगर हम एक इंडिविजुअल के टिश्यू की बात करें तो इट शो द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है. एक इंडिविजुअल का डीएनए डिफर मत कर देना तुम, वरना तो फिर हम डीएनए टेस्ट ही नहीं कर सकते थे देखा जाए तो, ओके. सो दे बिकम वेरी यूजफुल आइडेंटिफिकेशन टूल इन फोरेंसिक एप्लीकेशन, ठीक है. एक तो हम इन सैंपल से पता लगा सकते हैं कि वो पर्सन कौन है जिसका सैंपल हमें मिला है, और दूसरा इसका यूज कहाँ आता है, फर्दर द जो भी हमारे में ये पॉलीमॉर्फिक सीक्वेंसेज है ना वो मिली तो हमें या तो मदर से है या फादर से है, तो एज द पॉलीमॉर्फिज्म आर इनहेरिटेबल, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है ऐसा नहीं है कि जब हम बन रहे थे तो एम्ब्रियो में ये पॉलीमॉर्फिज्म एकदम से क्रिएट हो गया ना, हमारे दो क्रोमोजोम पर जो भी सीक्वेंसेज है वो या तो फादर से या तो मदर से आई है, तो मतलब पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेबल है. पर ये भी नहीं कह रहे हम कि हमारा वो 0.1% डीएनए 100% फादर जैसा है या 100% मदर जैसा है, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग सीक्वेंसेज 23 क्रोमोजोम एक से आए, 23 क्रोमोजोम दूसरे से आए. तो यस पॉलीमॉर्फिज्म इज इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, सो दैट्स व्हाई DNA fingerprinting is the basis of paternity testing in case of disputes. ठीक है क्या? तो forensic science में और paternity cases में DNA test is very useful tool. Forensic science में तो हम एक ही person के अलग अलग cells के DNA को check कर सकते हैं या sample को match कर सकते हैं, वो exactly same होगा. Paternity test में either the sequences match with father or with mother. 100% तो किसी एक से match नहीं करेंगी, एक parent से match नहीं करेंगी, फिर तो पता लगा crime इसने किया और फंस बच्चा गया, या बच्चे ने किया फंस parent गए, ऐसा भी हो जाता ना, तो वो नहीं होगा. और फिर तो बच्चा और वो वाला parent बिल्कुल हम शक्ल होने चाहिए थे, वो भी कभी नहीं होता, ठीक है. मूवीज में होता है कि एक हीरो उसका बच्चा भी हीरो की शक्ल का ही बना देते हैं, ऐसा रियलिटी में कभी नहीं हो सकता बच्चों. ह्यूमन्स में कभी भी पेरेंट्स के आइडेंटिकल बच्चे नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, डन है क्या, समझ में आ गया. आगे क्या लिखा है देखना कि अब इसी नेक्स्ट पैराग्राफ में इस डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म को थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया है. अच्छा एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं यहाँ पर तुम्हें, छोटी सी चीज़ है कि ये जो रेपिटेटिव डीएनए होता है ना बच्चों, है ना, ये रेपिटेटिव डीएनए देखो दिख रहा है आपको अलग अलग जगह ब्लू कलर से दिखाया है, तो ये जो रेपिटेटिव डीएनए है ये हमारे क्रोमोजोम पर कई सारी जगह होता है,
पर इस रेपिटेटिव डीएनए में जो सैटेलाइट डीएनए है, जो टेंडमली रिपीट होने की टेंडेंसी रखता है, वो या तो आपको सेंट्रोमियर पे मिलेगा, या फिर आपको जो एंड्स होते हैं क्रोमोसोम के जिनको टेलोमियर बोलते हैं, बताया था सेल पढ़ाते वक्त, वहां पर मिलेगा। तो सैटेलाइट डीएनए वाली जो सीक्वेंसेस है ना, जो हमें पता करनी है, VNTR और STR को सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं, वो सीक्वेंसेस हमें या तो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पर या टेलोमियर पर मिलेंगे, जिसकी डेंसिटी लाइट होती है। तो इसको बाकी के डीएनए से, बल्क डीएनए से अलग करना इज वेरी इजी। सेंट्रीफ्यूगेशन के बेस पर आप इसको अलग कर सकते, ठीक है, आगे बढ़े। नाउ यहाँ पर मैंने फिर भी एक रेपिटेटिव डीएनए और सैटेलाइट डीएनए में डिफरेंस लिख दिया कि दोनों सेम नहीं है। रेपिटेटिव डीएनए के दो पार्ट्स होते हैं, उसमें से एक है सैटेलाइट डीएनए, जो अगेन दो तरह का हो सकता है, ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। अब पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में क्या समझाया भाई इन्होंने, एज पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम एज वेल एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है, ये इसी से तो हमने जेनेटिक मैपिंग भी की और यही हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज कर रहे हैं। वही अगेन बात कि अगर ये डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म होता ही नहीं हमारे में, बिल्कुल ही 100% डीएनए एक जैसा होता, तो फिर हम सब अलग होते ही नहीं एक दूसरे से, है ना, बिल्कुल एक जैसे होते कि नहीं होते, बिल्कुल सिमिलर होते एक दूसरे के। देन आगे क्या लिखा है देखना, इट इज एसेंशियल दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इन सिंपल टर्म्स, जो मैं आपको समझा चुकी हूँ, यहाँ पर भी देख लेते हैं। अब साइंटिस्ट के दिमाग में ये क्वेश्चन उठता है, यार ये पॉलीमॉर्फिज्म आया ही कैसे हमारे में, कि मतलब वैसे तो इनहेरिटेबल है, पेरेंट्स से बच्चों में मिल रहा है, फिर बच्चों में को, फिर हमारी सेल्स में क्रॉसिंग ओवर हुई तो कुछ हुआ, फिर वो अगले उसमें गया, ये इस तरह से चल रहा है। पर जब ह्यूमन बने होंगे दुनिया में, बिल्कुल शुरू शुरू में हम चले जाएँ, तब तो बहुत लिमिटेड नंबर होगा हमारा, तो उनमें हो सकता है हम सबका डीएनए बिल्कुल एक जैसा भी हो, जो लिमिटेड लोग हों, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, म्यूटेशंस होते गए, तो या तो म्यूटेशन कई बार इतना हार्मफुल होता है कि ऑर्गेनिज्म को कोई डिसऑर्डर होता है, वो मर जाता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स में आपको पढ़ा है, नहीं मरता तो उसकी वो स्टेराइल हो जाता है, क्लाइनफेल्टर्स में पढ़ा, डाउन्स में पढ़ा आपने, है ना, तो डाउन्स में भी थी ना स्टरिलिटी, उसमें भी थी टर्नर सिंड्रोम में, है ना। तो अगर कोई म्यूटेशन की वजह से स्टरिलिटी आ जाए या इंडिविजुअल की डेथ हो जाए, तो वो म्यूटेशन तो उसके ही साथ खत्म हो जाता है। लेकिन अगर वो म्यूटेशन की वजह से, वो एक साइलेंट म्यूटेशन है, उसकी वजह से कोई चेंजेस नहीं आ रहे पर्सन में, तो वो एज इट इज म्यूटेशन अगली जनरेशन में चला जाएगा, फिर वो अगली में चला जाएगा, तो वो इनहेरिट होता रहेगा क्या। तो ऐसे म्यूटेशंस जो किसी इंडिविजुअल की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को अफेक्ट भी ना करें, उसकी लाइफ को भी इम्पेयर ना करें, वो म्यूटेशंस इनहेरिट होते रहते हैं और धीरे 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 पॉपुलेशन में इकट्ठे होते रहते हैं। तो ये जो 0.1% डीएनए, जो 3 मिलियन बेस पेयर हम सबके अलग है ना, ये इसलिए अलग हैं बच्चों क्योंकि ये म्यूटेशंस की वजह से ही अराइज हुए हैं, और ये म्यूटेशंस नॉन कोडिंग सीक्वेंसेज में हुए हैं, क्योंकि ये 0.1% डीएनए क्या है, नॉन कोडिंग है, तो इसलिए वो कभी अपीयर ही नहीं हुए, उनकी वजह से कोई डेथ वगैरह हुई नहीं, तो ये इकट्ठे होते रहे। तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझाया है कि जो पॉलीमॉर्फिज्म है, जिसको आप सिंपल भाषा में कह सकते हो, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, वेरिएशंस एट जेनेटिक लेवल, जीन्स में क्या वेरिएशंस हैं, चाहे वो नॉन कोडिंग है कोडिंग है, है ना। तो पॉलीमॉर्फिज्म अराइज ड्यू टू म्यूटेशन, क्या कहते हैं साइंटिस्ट, कि भाई पॉलीमॉर्फिज्म म्यूटेशंस की वजह से आता हुआ है ह्यूमन पॉपुलेशन में, या किसी भी स्पीशीज में म्यूटेशंस की वजह से आया है, ठीक है। इसमें लिखा है कि आपने म्यूटेशंस के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है। न्यू म्यूटेशन, जब भी कोई म्यूटेशन होता है बच्चों हमारे में, मे अराइज इन एन इंडिविजुअल, तो या तो वो, पहली बात तो या तो वो सोमैटिक सेल में होता है, या तो वो जर्म सेल में होता है। क्या सोमैटिक सेल का म्यूटेशन अगली पीढ़ी में जाएगा, सोमैटिक सेल हमारी बॉडी की सेल से स्पर्म्स थोड़ी ना बनते हैं, तो वो तो वहीं खत्म हो जाएगा। पर जो जर्म सेल का म्यूटेशन है, जर्म सेल मतलब, जर्म सेल यानी वो सेल जो गेमीट्स बनाती है, गेमीट मदर सेल को जर्म सेल कहते हैं, ठीक है। तो इफ अ जर्म सेल म्यूटेशन, वो म्यूटेशन अगली जनरेशन में जाएगा, और वो भी सिर्फ तब जाएगा इफ अ जर्म सेल म्यूटेशन डज नॉट सीरियसली इंपेयर इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू हैव ऑफस्प्रिंग हु कैन ट्रांसमिट द म्यूटेशन, यानी उसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी पर उस म्यूटेशन का इफेक्ट नहीं होना चाहिए, देन ओनली इट विल ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन, इट कैन स्प्रेड, और अगर ऐसा हुआ तो इट कैन स्प्रेड टू द अदर मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन एज वेल थ्रू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, वो म्यूटेशन जाता रहेगा। एलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन, इसका क्या मतलब है, ये वर्ड लिखा है एक, एलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन, यानी जो हमारे एलील्स हैं उनमें जो वेरिएशंस आते हैं, वो क्यों आते हैं, वही पॉलीमॉर्फिज्म की बात हो रही है। एलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन हैज ट्रेडिशनली बीन डिस्क्राइब्ड एज अ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म,
एलील्स की सीक्वेंस में जो वेरिएशंस हैं वो भी डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से ही हैं। और ये कब हम एक पॉपुलेशन का पार्ट कब बनते हैं, यहाँ पे पैरामीटर दिया है, कोई क्या अलग अलग स्टडीज़ हुई और उसमें देखा गया, भाई मैं आपको कह रही हूँ कि वो एक पर्सन से दूसरे में चला गया, दूसरे से नेक्स्ट जनरेशन में चला गया, तो क्या पता फिर बीच में उस जनरेशन में कुछ हो गया, उन इंडिविजुअल्स को कुछ हो गया, तो वो म्यूटेशन वहीं ख़त्म हो गया ना, उसके बाद तो वो पहुँचा ही नहीं आगे। तो कोई भी म्यूटेशन किसी भी पॉपुलेशन का परमानेंट पार्ट कब बनता है, जब उसकी फ्रीक्वेंसी 0.1 उसकी फ्रीक्वेंसी 0.01 से ज़्यादा हो। दिस इज अ PYQ, ये PYQ है, क्वेश्चन पूछा था नीट में कि किसी भी एलिलिक सीक्वेंस वेरिएशन को डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कब कहते हैं साइंटिस्ट, इफ मोर देन वन एलील एट अ लोकस अकर इन ह्यूमन पॉपुलेशन विद अ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0.01। पढ़ने में बहुत टिपिकल सी लाइन है, बट इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि किसी भी एलील की जो प्रेजेंस है वो उस पॉपुलेशन में 0.01 फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए, देन ओनली इट इज़ कंसिडर्ड एज अ परमानेंट म्यूटेशन, कि हाँ भाई अब वो इस पॉपुलेशन का पार्ट बन गया। ठीक है, क्लियर इन सिंपल टर्म्स। और इसी चीज़ को सिंपली लिखा है कि जब एक इनहेरिटेबल म्यूटेशन इज ऑब्जर्व इन अ पॉपुलेशन एट हाई फ्रिक्वेंसी, इसको भी हाई फ्रिक्वेंसी कहते हैं बच्चों, 0.01 कितना छोटा सा नंबर है हमारे लिए, लग रहा है यार 0.01 फ्रिक्वेंसी बस ये तो बहुत है, पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए 0.01 फ्रिक्वेंसी इज वेरी लार्ज नंबर। ओके, तो ये कह रहा है कि जब कोई इनहेरिटेबल म्यूटेशन हाई फ्रिक्वेंसी शो करता है ना, देन ओनली इट इज कॉल्ड डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। इसी को एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। ठीक है, आगे क्या लिखा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच वेरिएशन, इस फ्रिक्वेंसी वाले वेरिएशंस की जो प्रोबेबिलिटी है ना, इट इज़ टू बी ऑब्जर्व्ड इन नॉन कोडिंग सीक्वेंस वुड बी हायर एज म्यूटेशन इन दिस सीक्वेंस मे नॉट हैव एनी इमीडिएट इफेक्ट इन एन इंडिविजुअल्स रिप्रोडक्टिव एबिलिटी। इस तरह के जो म्यूटेशंस हैं अगर वो कोडिंग सीक्वेंसेज में होते हैं तो वो जनरली पॉपुलेशन का परमानेंट पार्ट नहीं बन पाते, क्योंकि बट ऑब्वियस वो कुछ ना कुछ इम्पेयरमेंट कर देते हैं जिससे इंडिविजुअल ज़्यादा जी नहीं पाता। पर अगर यही म्यूटेशन नॉन कोडिंग सीक्वेंसेज में हुए हैं तो नॉन कोडिंग से तो कोई रिप्रोडक्शन पे इफेक्ट होने नहीं वाला। सो दीज म्यूटेशन कीप ऑन अक्यूमुलेटिंग जनरेशन आफ्टर जनरेशन एंड फॉर्म वन ऑफ द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी और पॉलीमॉर्फिज्म। इन्हीं को हम डीएनए टेस्ट में स्टडी करते हैं। मतलब डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म तो बहुत सारा है, बट उसका एक पार्ट हम इस टेस्ट में स्टडी करते हैं। ओके, अच्छा ये एक लाइन क्या लिखी है सुनना, मैंने तुमको HGP में SNPs के बारे में बताया था, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। SNP क्या होता है कि अगर मैं एक डायग्राम तुम्हें दिखाऊं तो इधर देखो, ये तीन लोगों का DNA है जिसमें CTA सीक्वेंस सब पे मिलेगी आपको, लेकिन कॉपी नंबर अलग है, इसमें 5 बार रिपीट हो रही है, इसमें 6 बार, इसमें 7 बार, तो ये भी DNA पॉलीमॉर्फिज्म है। ये एक STR टाइप की सीक्वेंस बोल दूँ, रिपीटिंग यूनिट छोटी है इसलिए STR, यानी माइक्रो सैटेलाइट है ना। एक तो ये है पॉलीमॉर्फिज्म का पैटर्न, एक और तरह का पॉलीमॉर्फिज्म होता है SNPs जो हमने उसमें पढ़ा था HGP में। SNPs क्या होते हैं, जब हम अलग अलग ह्यूमंस के DNA को स्टडी करते हैं तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पूरी सीक्वेंस एक जैसी है, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड डिफर कर रहा है, यहाँ पर कुछ और होना चाहिए था, एक न्यूक्लियोटाइड डिफर कर रहा है, तो इस तरह के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म या SNP। तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि पॉलीमॉर्फिज्म भी दो तरह का है, अगर एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज दिख रहा है तो उसको कहेंगे SNP, और अगर एक मल्टीपल यूनिट चेंज हो रही है, लार्ज स्केल पर चेंज है जिसमें या तो रिपीटिंग यूनिट बदल गई या रिपीटिंग यूनिट का कॉपी नंबर बदल गया, तो उसको क्या कहते हैं, सैटेलाइट DNA। वही चीज़ यहाँ लिखी है कि ये जो DNA पॉलीमॉर्फिज्म है, इट वेरी, देयर इज अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। कौन से डिफरेंट टाइप हो सकते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो सकता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो सकता है, या वेरी लार्ज स्केल में चेंज हो सकता है। अगर सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज होता है बच्चों, तो उसी को SNP या SNPs कहते हैं, ये ध्यान रखना, कोरिलेट होना चाहिए दोनों जगह पर ये टॉपिक। क्लियर, बहुत सारा टाइम लगाया मैंने तुम्हारे लिए दोनों टॉपिक्स को पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए, तब जाके ये चीज़ें इतनी लिंक्ड हो पाई हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं अलग अलग, तब जाके ये चीज़ें इस तरह से कनेक्ट हो पा रही हैं और तुम्हें समझ आ रही हैं, वरना आप पढ़ बिना लेक्चर देखे अगर किसी ने पढ़ा हो तो उसको पता होगा ये टॉपिक समझ में ही नहीं आता, HGP में कुछ कह रहे हैं, DNA फिंगरप्रिंटिंग में कुछ कह रहे हैं,
बट अब चीज़ें लिंक्ड हो गई हैं तो तुम इस चीज़ को भूलोगे नहीं, ठीक है। आगे बढ़े, फॉर इवोल्यूशन एंड स्पीसिएशन, ये पॉलीमॉर्फिज्म ना सिर्फ डीएनए टेस्ट में यूजफुल है बल्कि इवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए, स्पीसिएशन को समझने के लिए। क्या पता एक टाइम ऐसा आएगा जब ये पॉलीमॉर्फिज्म इतना ज़्यादा हो जाए 0.1% से भी बढ़ जाए बहुत सालों बाद कि एक नई स्पीशीज़ बन जाए। ऐसी तो बनती है न्यू स्पीशीज़ जब बहुत हद तक जेनेटिक चेंजेस हो जाते हैं कि एक इंडिविजुअल अपनी स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स के साथ रिप्रोड्यूस ही नहीं कर सकता तो वो एक नई स्पीशीज़ बन जाती है, ठीक है। सच पॉलीमॉर्फिज्म प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड यू विल स्टडी दीज इन डिटेल एट हायर क्लासेस, ठीक है। एक बात बताऊँ तुम्हें, मेडिकल में जेनेटिक्स होती नहीं है, मेडिकल में बिल्कुल जेनेटिक्स नहीं पढ़नी होती है। जेनेटिक्स तो अलग से जो बीएससी एमएससी वगैरह करते हैं उसमें जो जेनेटिसिस्ट एमएससी में जो भी पढ़ते होंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स आई डोंट नो वहाँ पर इतनी डिटेल्स आती हैं, मेडिकल में जेनेटिक्स बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बट येस, बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हें ये नहीं पता सेल डीएनए न्यूक्लियोटाइड बेस क्या है तो इसका मतलब तुम कैसे ह्यूमन बॉडी को समझ सकते हो, नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्लियर है क्या? तो ये हुआ आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस। अब टेक्निक बड़ी सिंपल है, टेक्निक में कुछ नहीं है। इसमें क्या करते हैं बच्चों, ये तो हमने पढ़ ही लिया था वीएनटीआर क्या होता है। द टेक्निक एज यूज अर्लियर इन्वॉल्व्ड, इसमें एक वर्ड आएगा नया, इस पर क्वेश्चन आता है, सदन ब्लॉटिंग, सदन ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन। अभी बताती हूँ क्या होता है ये। देखो इस टेक्निक में क्या करेंगे, बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं। आपको डीएनए का ऑटो रेडियोग्राम बनाना है तो सबसे पहले तो आप सेल में से डीएनए को अलग करो, यानी फर्स्ट स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। कैसे करते हैं वो तुम बायोटेक्नोलॉजी में सीखोगे, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में तुम सीखोगे कि कुछ एंजाइम्स ऐड करते हैं सेल में और चिल्ड इथेनॉल ऐड करते ही उसका डीएनए अलग हो जाता है, बायोटेक में आता है ये, जिसने पढ़ रखा है उसको पता चल गया होगा, ठीक है। अब आपके पास टेस्ट ट्यूब में डीएनए तो अलग हो गया लेकिन पूरा डीएनए एक साथ तो बहुत बड़ा होता है, उसको कैसे सीक्वेंस करें और हमें अलग भी तो करना है, सैटेलाइट डीएनए वगैरह सबको एक दूसरे से अलग करना है तो उसके लिए हमें कट लगाने पड़ेंगे डीएनए पर। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बताए थे मैंने तुमको एचजीपी में, जिनके बारे में तुम बायोटेक में पढ़ोगे, तो जो भी डिजायर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो डाल दिए जाते हैं, वो डीएनए पर जगह जगह कट लगा के डीएनए का फ्रेगमेंटेशन कर देते हैं। यहाँ पे डाइजेशन ऑफ डीएनए का मतलब है फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को छोटी छोटी सीक्वेंसेस में तोड़ दिया। अभी डबल स्टैंडर्ड ही है लेकिन आपने छोटी छोटी सीक्वेंसेस में तोड़ दिया, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस, ठीक है, क्लियर। अब आपने उस टेस्ट ट्यूब में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला तो डीएनए के फ्रेगमेंट तो हो गए लेकिन ये सब फ्रेगमेंट एक दूसरे में उलझे हुए हैं, आपको इन्हें सेपरेट करना है। तो इन फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक यूज होती है बच्चों उसको कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, डिटेल में पढ़ेंगे अगेन बायोटेक में। तो थर्ड स्टेप क्या है, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज होता है यहाँ पे, ये भी आप बायोटेक में पढ़ोगे, ठीक है। जिससे वो जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं ना वो एकदम अलग अलग ही टाइप की सीक्वेंस में एक प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं। एक एगारोस की जेल प्लेट होती है, ऐसे एक एगारोस की जेल प्लेट होती है, उस पर सारे डीएनए के फ्रेगमेंट एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज हो जाते हैं, कैसे वो हम सीखेंगे, ठीक है। तो थर्ड, पहले आपने डीएनए को अलग किया, फिर डीएनए को फ्रेगमेंटेशन किया, उन फ्रेगमेंट्स को अलग किया और एगारोस जेल की प्लेट पर वो सारे फ्रेगमेंट्स अरेंज्ड हो गए, ठीक है। लेकिन एगारोस पर ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं ना बच्चों, ये आपको दिख नहीं रहे और ना ही आप एगारोस जेल पर आगे का प्रोसेस कर सकते हो, तो यू वॉन्ट कि इस एगारोस जेल पर जो फ्रेगमेंट्स है ना उनका एज इट इज रेप्लिका बन जाए एक दूसरी मेम्ब्रेन पर, जिसको नायलॉन मेम्ब्रेन, सिंथेटिक मेम्ब्रेन पर। ये जो एगारोस जेल पर डीएनए के फ्रेगमेंट है ना, ये एज इट इज एक दूसरी मेम्ब्रेन पर आ जाए मेरे पास, जिस मेम्ब्रेन से मैं टेक्निक को आगे बढ़ा सकती हूँ, ठीक है। तो इसको ट्रांसफर कह सकते हैं क्या, एगारोस जेल से पीसेस को दूसरे पर ट्रांसफर करना, पर ये ऐसे नहीं है कि इसको इसके ऊपर रख दिया और डीएनए अपने आप आ जाएगा। इसके लिए एक प्रॉपर ब्लॉटिंग टेक्निक यूज होती है जिसमें अलग अलग मेम्ब्रेन रखते हैं, उसके ऊपर नायलॉन मेम्ब्रेन रखते हैं, ऊपर वेट रखते हैं, तो वो वेट से डीएनए ऊपर खींचता है और वो एज इट इज नायलॉन मेम्ब्रेन पे शिफ्ट हो जाता है। डिटेल में नहीं जाना, बस यूं समझ लो कि डीएनए के पीसेस को एगारोस जेल से एक सिंथेटिक मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करते हैं और इसी ट्रांसफर को बोलते हैं सदन ब्लॉटिंग। क्या बोलते हैं बच्चों इस ट्रांसफर को, देखो क्या लिखा है कि ट्रांसफरिंग, दैट इज ब्लॉटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट कर देना, ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन। ये सिंथेटिक मेम्ब्रेन किसकी होती है, नीट में पूछा गया क्वेश्चन, ये नाइट्रोसेल्यूलोज की हो सकती है, ये नायलॉन मेम्ब्रेन भी हो सकती है। यानी आपने क्या किया, एगारोस जेल से इन पीसेस को एज इट इज शिफ्ट कर लिया एक नायलॉन मेम्ब्रेन पर, दिस इज अ नायलॉन मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन,
और इसी को क्या कहते हैं, सदन ब्लॉटिंग। सदन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये टेक्निक बताई थी, इसलिए इस टेक्निक का नाम है सदन ब्लॉटिंग। और बिल्कुल इसी तरह की टेक्निक्स बाद में बच्चों आरएनए के लिए भी बनी, आरएनए के लिए भी होता है, तो उसको कहते हैं नदन ब्लॉटिंग, उसके रिदम में नाम रखने के लिए ऐसा रखा गया। और अगर इसी तरह का ट्रांसफ़र प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए किया जाए तो उसको कहते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग। पहले पूछते थे आपको पुराने पीवाईक्यूज़ में, ये नाम मिल जाएंगे। सदन तो साइंटिस्ट का नाम था, नदन और वेस्टर्न उसके रिदम में रख दिया। ठीक है, समझ में आ गई क्या बात आप लोगों को? अच्छा हाँ, यहाँ पर एक स्टेप मिसिंग है। इससे पहले एक चीज़ और करते हैं बच्चों, जब एगारोस जेल की प्लेट पर पीसेज अलग हो जाते हैं ना, हमें डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए जिससे हमारे प्रोब जाकर अटैच हो सके। तो ये जो एगारोस जेल की प्लेट है ना, इसको इट इज़ सोक्ड, लिख लेना, इट इज़ सोक्ड इन टू एल्कलाई। इसको कुछ समय के लिए एक एल्कलाई में रख देते हैं, दैट इज़ मोस्टली NaOH। और जब आप इस प्लेट को अल्कलाई में रखते हो ना, तो इस पर वो जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं जो अभी तक डबल स्टैंडर्ड है, जो अभी तक डबल स्टैंडर्ड हैं, वो सब सिंगल स्टैंड में बदल जाते हैं बच्चों। बहुत ही शॉर्ट में समझा रही हूँ मैं आपके लेवल पर, ये टेक्निक को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो जब हम इसको रखते हैं तो क्या होता है, ये सारे पीसेज सिंगल स्टैंडर्ड हो जाते हैं, जबकि पहले कैसे थे, ये डबल स्टैंडर्ड थे। क्लियर है क्या बात? और फिर इसकी शिफ्टिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको सिंगल स्टैंडर्ड पीसेज एज इट इज नायलॉन मेम्ब्रेन पर शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं सदन ब्लॉटिंग। ट्रांसफर को क्या कहते हैं? सदन ब्लॉटिंग। क्लियर है क्या? अब क्या करते हैं सुनना, अब ये जो मेरे पास नायलॉन की मेम्ब्रेन है ना, इस नायलॉन मेम्ब्रेन को एक ऐसे बीकर में, एक ऐसे मिक्सचर में रखते हैं जिसमें छोटे छोटे खूब सारे प्रोब पड़े हुए हैं। नाउ व्हाट इज प्रोब? प्रोब बच्चों लेबोरेटरी में बनाए गए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सीक्वेंसेस हैं जो रेडियो एक्टिव होती हैं। जब हमने लेबोरेटरी में बना सकते हैं सब कुछ, न्यूक्लियोटाइड्स को अरेंज करके जिस सीक्वेंस में चाहो आप फ्रेगमेंट्स बना सकते हो, तो डीएनए फ्रेगमेंट्स लेबोरेटरी में बनाए गए हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज करके, और वो भी सिंगल स्टैंडर्ड सेगमेंट। सो व्हाट इज प्रोब? पहले तो लिख लो तुम, प्रोब क्या होता है, ये वर्ड है ना यहाँ पर प्रोब। प्रोब कहते हैं सिंगल स्टैंडर्ड रेडियो एक्टिव डीएनए सीक्वेंसेस। तो जो भी प्रोबेबल सीक्वेंसेस हैं सबके प्रोब हमने बनाए हुए हैं। हमें पूरा HGP तो पता ही है, ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग है ही, तो उसमें जितने भी सैटेलाइट डीएनए में जितने भी VNTR होते हैं, उनके कॉपी नंबर होते हैं, हर तरह की प्रोबेबल सीक्वेंस के प्रोब लेबोरेटरी में बने हुए हैं, तभी ये टेक्निक पॉसिबल है। तो क्या करते हैं, इस नायलॉन मेम्ब्रेन को उन प्रोब्स के मिक्सचर में रख देते हैं। तो क्या होगा बताओ, यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड है ना आपका डीएनए, तो इन पर जाके ये प्रोब अटैच होंगे क्या या नहीं होंगे? इन पर जाके ये प्रोब, जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब होंगे वो अटैच हो जाएंगे कि नहीं? हाँ, ये जो व्हाइट कलर से मैं बना रही हूँ, दीज आर प्रोब। तो आपने आपके नॉर्मल डीएनए को रेडियो एक्टिव डीएनए में बदल दिया क्या? ये एक्सपेरिमेंट आप सिर्फ उस 0.1% डीएनए के पर्टिकुलर पार्ट पे कर रहे हो, सब पे नहीं कर रहे हो। ठीक है, वरना बहुत महंगा पड़ जाती है ये टेक्निक, वैसे ही बहुत कॉस्टली होती है। तो प्रोब्स अटैच हो गए। अब जब ये प्रोब अटैच हो गए, यानी आप कह रहे हो आपने डीएनए का क्या कर दिया, हाइब्रिडाइजेशन कर दिया। हाइब्रिडाइजेशन मतलब आपने नॉर्मल डीएनए को एक रेडियो एक्टिव प्रोब के साथ जोड़ दिया। आपको क्या पता कौन सा प्रोब जुड़ रहा है या नहीं? यस, आपको नहीं पता, वो अपने आप जुड़ रहा है। जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेज है वही जुड़ेंगी, बाकी मिक्सचर में रह जाएंगी। तो इस नायलॉन मेम्ब्रेन को निकालते हैं मिक्सचर से, एक बार वॉश कर लेते हैं जिससे इधर उधर कोई फालतू प्रोब चिपक गया हो तो वो हट जाए। अब फाइनली इस नायलॉन मेम्ब्रेन से ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं। इस नायलॉन मेम्ब्रेन पर जो डीएनए की सीक्वेंसेज है ना, जो हाइब्रिडाइज हो चुकी हैं, वो अपने अपने अकॉर्डिंग बैंड्स बनाएंगी। ये टेक्निक है, कैसे डेवलप की गई वो तो डिटेल में जब पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिसिस तो वो समझते हैं, पर यस, ये बहुत ही स्पेसिफिक पैटर्न में हमको उस पर देता है, पैटर्न देता है कि अगर यहाँ पर 11 कॉपी नंबर है तो 11th नंबर पे बैंड बनेगा, अगर 10 कॉपी नंबर है तो 10th नंबर पे, तो अलग अलग साइज के बैंड्स मिल जाते हैं उस प्लेट पर, और उसी को आप कहते हो, कैसे डिटेक्ट कर रहे हो आप, डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट। ये जो हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं इनको डिटेक्ट करते हैं कैसे, बाय ऑटो रेडियोग्राफी। इसकी डिटेल नहीं दी, ये भी पूरी एक टेक्निक है कैसे होती है, बट ऑटो रेडियोग्राफी में उसके बैंड्स बन जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर फोटो दिखी थी तुमने इस तरह के। ठीक है, और जो भी एक इंडिविजुअल का पैटर्न है वो उसी का है, वो किसी दूसरे इंडिविजुअल से मैच नहीं करेगा, उसकी सारी सेल्स में यही पैटर्न होगा, तो बस उसको मैच कर लेते हैं और पता चल जाता है।
ठीक है क्या? तो इसके बाद जो पैराग्राफ है उसमें ये तो हमने पढ़ ही लिया, लास्ट में क्या लिखा है देखना कि है ना। वैसे तो इस टेक्निक में हमें कहीं भी पीसीआर की जरूरत नहीं होती। पीसीआर पता है आपको? पीसीआर हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे बच्चों, बहुत क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी मत पढ़ना, बायोटेक में पढ़ेंगे। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पीसीआर क्या है, ये एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक है बच्चों। मैंने आपको शायद बताया भी था पहले, हाँ, एचजीपी पढ़ाते वक्त, कि इस टेक्निक में आप डीएनए का एक छोटा सा पीस डालोगे और वो आपको कुछ ही घंटों में उसकी बिलियन ऑफ कॉपीज करके दे देगा विदाउट सेल। सेल भी नहीं यूज कर रहे आप, इन विट्रो डीएनए के पीस को सेटअप में डाल रहे हो और वो सेटअप आपको कुछ ही घंटों में उस डीएनए की जितनी चाहो बिलियन मिलियन कॉपीज बना के दे देगा। दिस इज कॉल्ड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन क्योंकि इसमें डीएनए से डीएनए, डीएनए से डीएनए बनते जाते हैं यूजिंग पॉलीमरेज एंजाइम बट इन विट्रो। ठीक है, तो ये टेक्निक हर उस जगह यूज होती है जहां पर आपको डीएनए की मल्टीपल कॉपीज चाहिए। सपोज करो आपने लेबोरेटरी से एक सैंपल कलेक्ट किया है, उसका डीएनए निकाल लिया, बट क्या पता टेक्निक के दौरान वो डैमेज हो जाए प्रोसेसर के दौरान, या क्या पता दोबारा करना पड़ जाए, तो आप क्या चाहोगे कि आपने ये जो डीएनए आइसोलेट किया है उसके फ्रेगमेंट्स किए हैं या जो आइसोलेट किया उसकी आपके पास मल्टीपल कॉपीज हों। तो क्या कर सकते हैं हम इस टेक्निक में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी पीसीआर को यूज़ कर सकते हैं। आपका जो डिजायर्ड फ्रेगमेंट है उसकी आप मल्टीपल कॉपीज बना के रख लो, कभी भी रिपीट करना पड़े टेस्ट तो सैंपल इज अवेलेबल। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि पीसीआर ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सेंसिटिविटी को बढ़ा दिया है? द सेंसिटिविटी ऑफ द टेक्निक हैज बीन इंक्रीज्ड बाय यूज ऑफ पीसीआर, कॉन्सिक्वेंटली जिसकी वजह से डीएनए फ्रॉम अ सिंगल सेल, अगर क्राइम सीन पर एक छोटा सा भी सेल, एक छोटा सा भी सैंपल मिल जाए तो उसको कलेक्ट कर लेते हैं, उसके डीएनए को पीसीआर से एम्पलीफाई कर लेते हैं और फिर उस पर ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक कर देते हैं। ठीक है, इज इनफ टू परफॉर्म डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस इन एडिशन टू अदेन। देन लास्ट में इसकी एप्लीकेशंस दी हैं, तीन एप्लीकेशंस बताई थी मैंने आपको डीएनए टेस्ट की। पहली एप्लीकेशन है फॉरेंसिक साइंस में यूज करते हैं, दूसरा डिटरमाइनिंग पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। शुरू में कहा था पॉपुलेशन को आपको स्टडी करना है, वहाँ भी आप सबका डीएनए टेस्ट करो कौन किससे कितना डिफर है, ओके। एंड थर्ड वो कहाँ गया, पैटर्निटी डिस्प्यूट, दोबारा ऐड कर लो, थर्ड इज द पैटर्निटी डिस्प्यूट। ये दोनों लाइन नेक्स्ट पेज पर डायग्राम के नीचे लिखी हुई है, कहीं तुम ढूंढ रहे हो कहाँ है। ठीक है, करेंटली मैनी डिफरेंट प्रोब्स आर यूज टू जनरेट डीएनए फिंगरप्रिंट। ठीक है, इसके नीचे लिखी हुई थी ये दोनों लाइन्स, ये डायग्राम मैंने आपको बता ही दिया है, दिस इज ऑल अबाउट द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, आया मजा पढ़ने में, टेक्निक को समझ में आ गई टेक्निक क्या होती है। अच्छा हाँ, ये मैंने क्या लिखा है बच्चों, मैंने देखा था कि नीट में या कुछ बुक्स के क्वेश्चंस में ना ये टर्म्स लिखी रहती हैं, तो मैं तुम्हें जस्ट एक आइडिया दे देती हूँ ये टर्म्स क्या हैं, बहुत रेयर चांसेस है तुमसे पूछेंगे। एक टर्म होती है आरएफएलपी, ये जो पूरी टेक्निक हमने पढ़ी उसमें हमने क्या किया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करके डीएनए का फ्रेगमेंटेशन किया और एक पर्टिकुलर लेंथ में उसको उसके पॉलीमॉर्फिज्म को स्टडी किया। तो ये जो पूरा कन्वेंशनल मेथड है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। अगर इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पीसीआर को भी यूज करें, यानी हमने डीएनए को एम्पलीफाई किया है पहले, तो आरएफएलपी की जगह इसको एएफएलपी बोल देते हैं, एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, और अगर कुछ केसेस में ऐसा होता है कि पर्टिकुलर सीक्वेंस को अलग नहीं करके रेंडमली डीएनए का फ्रेगमेंटेशन कर देते हैं और फिर उन फ्रेगमेंट्स को एम्पलीफाई करते हैं और फिर उसको स्टडी करते हैं, तो उसको क्या बोल देते हैं, आरएपीडी, रेंडम एम्पलीफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक डीएनए। ठीक है, डिटेल में बिल्कुल नहीं जाना, अगर ये वर्ड्स दिखे तो बस इनकी फुल फॉर्म याद रख लो, दैट इज अनफ। ओके, समरी देख ले, खत्म करें चैप्टर और क्या। अब तो समरी में क्या लिखा है भाई, बहुत बड़ा चैप्टर था, क्या क्या पढ़ा हमने इस चैप्टर में, पहले डीएनए, फिर आरएनए, सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, फिर तीनों प्रोसेस रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, बीच में जेनेटिक कोड भी पढ़ा, फिर लेकोपेरॉन पढ़ा, एचजीपी पढ़ा, फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ा। उन सब की समरी देख लेते हैं भाई। न्यूक्लिक एसिड्स आर लॉन्ग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये तो समझ में आ गया। व्हाइल डीएनए स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, आरएनए ट्रांसफर एंड एक्सप्रेस द इन्फॉर्मेशन, अच्छे से पढ़ा है हमने। दो डीएनए एंड आरएनए बोथ फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल, ज्यादा स्टेबल कौन है, डीएनए, सो इसलिए नेचर ने किसको प्रेफर किया, डीएनए को। बट इवॉल्व कौन हुआ था नेचर में पहले, आरएनए, उसमें मॉडिफिकेशन से डीएनए बना है, ये सब हमने सीखा था।
द हॉलमार्क ऑफ डबल स्टैंडर्ड मॉडल इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हॉलमार्क क्या था डीएनए के डबल स्टैंड की? बेस पेयरिंग. द रूल इज, इसमें भी हमेशा फिक्स होता है, एडेनिन बॉन्ड करेगा थाइमिन से और गुआनिन बॉन्ड करेगा साइटोसिन से. उसमें भी फिक्स है कि इनके बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड, इनके बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, ये कभी नहीं भूलना. ठीक है, इसी वजह से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड हमेशा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. इसी पर पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टिकी हुई है. द डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली, सीखा था हमने, वॉटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था, मिजेलसन एंड स्टॉल ने प्रूव किया था प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में टेलर एट ऑल ने प्रूव किया था विसिया फैबा पर. ठीक, जिसे याद आ रहा है, जो कोरिलेट कर पा रहा है, इसका मतलब चैप्टर पक्का है. जिसे समझ नहीं आ रहा मैम क्या बोल रही है, इसका मतलब बस सेशन अटेंड तो किए हैं बट कुछ सुना, कुछ समझा नहीं और भूल गए हम उस चीज़ को. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, दिस इज नॉट द गुड वे. ओके, सो अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड फॉर आरएनए कैन बी रेफर्ड एज जीन. ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन वन ऑफ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एक्ट एज टेम्पलेट. सीखा था क्या हमने, ट्रांसक्रिप्शन में दोनों स्ट्रैंड नहीं बल्कि जिसकी पोलैरिटी खुद की 3-5 है वो 5-3 डायरेक्शन में आरएनए को बनाएगा. सीखा था, है ना. देन इन बैक्टीरिया द ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए इज रेडी, उसमें कोई स्प्लाइसिंग वगैरह नहीं होती है, हैंस कैन डायरेक्टली बी ट्रांसलेटेड. कपलिंग होती है दोनों प्रोसेस की. जबकि यू कैरियोट्स में पहले तो आपको स्प्लिट जीन अरेंजमेंट मिलता है, इंट्रॉन एक्सॉन. इस वजह से एमआरएनए पर दो तरह की सीक्वेंसेस बन गई जिनमें से इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से प्रोसेस के थ्रू, बाय द स्प्लाइसिंग, और जो एक्सॉन्स है उनको रीजॉइन कर देता है लाइगेज. आगे क्या लिखा है, द एमआरएनए कंटेन द बेस सीक्वेंसेज दैट आर रीड इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 triplet. जेनेटिक कोडोन का नेचर बताया है. ठीक है, द जेनेटिक कोड इज रीड अगेन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी बाई tRNA. tRNA इज द अडैप्टर मॉलिक्यूल जो एक तरफ कोड्स को पढ़ता है, दूसरी तरफ अमीनो एसिड को बाइंड करके लाता है. ठीक है, देयर आर स्पेसिफिक tRNA फॉर एवरी अमीनो एसिड, ये हमने अच्छे से सीखा था. ठीक है, द tRNA binds to specific amino acid at one end and pair through hydrogen bonding through its anticodon. ये translation के बारे में बताया है. ओके, साइट ऑफ ट्रांसलेशन हमेशा क्या होता है, चाहे प्रोकैरियोट हो यूकैरियोट हो, राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री, साइटोप्लाज्म में होता है जिसको mRNA से बाइंड करना पड़ता है और tRNA की भी मदद लेनी पड़ती है. तो सारे RNAs आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस. ओके, आगे क्या लिखा है भाई, कौन सा एंजाइम, कौन सा आरएनए राइबोजाइम का काम कर रहा था, फिर से रिवाइज कर लो. 23SRRNA इन प्रोकैरियोट्स एंड 28SRRNA इन यूकैरियोट्स. ठीक है, ट्रांसलेशन इज अ प्रोसेस दैट हैज इवॉल्वड अराउंड आरएनए इंडिकेटिंग दैट लाइफ बिगेन अराउंड आरएनए. जब इवोल्यूशन हुआ लाइफ का तो डीएनए नहीं था दुनिया में, आरएनए के अराउंड इवॉल्व हुई है. बाद में आरएनए को बेटर बनाने के लिए उससे डीएनए बना, पर आरएनए की इंपॉर्टेंस खत्म नहीं हुई. अभी भी जो इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस हैं वो आरएनए के अलोंग ही होते हैं. ओके, सिंस ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर वेरी एक्सपेंसिव एनर्जेटिकली, दे हैव टू बी टाइटली रेगुलेटेड. ऐसा नहीं कि जब सेल का मन चाह रहा है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कर रही है. कितनी सारी एनर्जी खर्च हुई थी ना, ATP की फॉर्म में नहीं हुई थी, किसी और फॉर्म में हुई थी, खर्च तो हुई थी, इसलिए इसका रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है. तो हमने पढ़ा था कि यूकैरियोट्स में तो 4 लेवल पर रेगुलेट होती है, बट प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया में एक ही साइट है, दैट इज़ द शुरुआत ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जहाँ इसको रेगुलेट करने के लिए ऑपेरॉन सिस्टम पढ़ा हमने, जिसमें से एग्जाम्पल पढ़ा लेक ऑपेरॉन का. प्रोटोटाइप कहते हैं जिस चीज़ से उस कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई हो. ओके, जिसको बहुत अच्छे से डिटेल में हमने सीखा था. मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई भी एडिशनल लाइन ऐसी है. मैंने बताया था कि अगर कल्चर मीडियम में लैक्टोज है, बैक्टीरिया में जाएगा तो लैक ऑपेरॉन स्विच ऑन हो जाएगा, अगर नहीं है तो लैक ऑपेरॉन स्विच ऑफ रहेगा. ठीक है, देन फिर हमने HGP के बारे में पढ़ा, जो कि एक मेगा प्रोजेक्ट है, था 1990 से 2003, 13 साल का प्रोजेक्ट था ये, पर ख़त्म हुआ था 2006 में विद द सीक्वेंसिंग ऑफ फर्स्ट क्रोमोजोम, जो सबसे लास्ट में हुई थी. ओके, जिसकी वजह से बहुत सारे न्यू एरियाज और रिसर्च का स्कोप आया. एंड फाइनली आज हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पढ़ा है, विच इज़ अ टेक्निक टू फाइंड आउट वेरिएशंस इन इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन एट डीएनए लेवल. ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है, पॉलीमॉर्फिज्म, जो रेपिटेटिव डीएनए में देखने को मिलता है. इट हैज़ इमेंस एप्लीकेशन इन फोरेंसिक साइंस, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी एंड पेटर्निटी डिस्प्यूट्स.
ठीक है, डन। तो यहाँ पर आपका हो गया है ये चैप्टर फिनिश। ओके बच्चों, तो हमने बहुत ही आराम से जेनेटिक्स के दोनों चैप्टर्स कंप्लीट करे हैं, प्रिंसिपल्स एंड मॉलिक्यूलर बेसिस। इनके भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जितनी कर सकते हो, जब तक नीट का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक इन दोनों चैप्टर को रिवाइज करते रहो इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, एनसीईआरटी से कभी डायग्राम की फॉर्म में, जिससे ये टॉपिक्स आपके एकदम पक्के रहें। अच्छा खासा वेटेज है इनका नीट में, मैंने आपको बताया था कि 10 से 12 क्वेश्चन जेनेटिक्स से आते ही आते हैं, तो आपको ये टॉपिक्स भूलने नहीं हैं। नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद द इवोल्यूशन। वैसे बायोटेक्नोलॉजी भी ले लेती हूँ मैं कई बार जेनेटिक्स के बाद, ठीक है, तो बट पहले ये वाला पूरा एक साथ खत्म कर लेते हैं, देन विल स्टडी अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सीक्वेंस चेंज की है एनसीईआरटी से थोड़ी, हम अभी जेनेटिक्स के साथ साथ पहले बायोटेक कंप्लीट करेंगे, फिर रिमेनिंग चैप्टर्स लेंगे। ओके, गुड बाय।